हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटीसी सिस्टम 5 में क्विक रिवीजन सीरीज़, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की है। तो इन्वायरमेंट में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पहले फेज से अप्रैल तक की, जो भी यहाँ पे टॉपिक प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम लोग उसी की रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद आपका मई और जून की मैगजीन देखेंगे इसी में, और फिर उसके बाद जुलाई मंथ की हम लोग करेंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये इन्वायरमेंट सीरीज़ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूपीएससी की जो वीजन आईएस टेस्ट सीरीज़ इन लोग की चल रही है प्रीलिम्स के लिए, तो वो अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो जीएस पेपर वन और सीसैट की यहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल करके, अगर आप लोग को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग वहाँ पे मेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की फर्स्ट टॉपिक के साथ, क्लाइमेट चेंज में देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है, और इंडिया के द्वारा ये जो स्पॉन्सर किया गया था कि 2023 में द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर करना है, तो ये चीज़ें यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है हरी झंडी दिखा दी गई है। तो चलिए अच्छी बात है, मिलेट्स का अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके बारे में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट तो पता होना चाहिए। मिलेट्स यहाँ पे स्मॉल सीडेड जो ग्रासेस है उसकी यहाँ पे ग्रुप है, और इसको सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स के जैसा भी उगाया जाता है, ये एज ए फॉडर भी यानी कि चारा जैसा भी उपयोग होता है, और हम लोग इसको खाते भी हैं। साथ ही इसमें आप देखो कि मेजर मिलेट्स है, माइनर मिलेट्स है और सूडो मिलेट्स है। मेजर मिलेट्स की बात करें तो यहाँ पे ज्वार, बाजरा, रागी है। माइनर मिलेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका कोडो, प्रोसो ये सारे हैं, और सीडो मिलेट्स की बात करें तो ये अमरनाथ है जिसे कि राजगीरा कहते हैं, और कुट्टू है जो कि यहाँ पे बकवीट है। ओके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा मेजर मिलेट के बारे में। अब इंडिया में हम लोग देख लेते हैं मिलेट्स की इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूँ तो मिलेट को कंसीडर किया जाता है फेमाइन रिजर्व, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न आपको देखने को मिलेगा। 100 डेज़ में ये तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि 65 डेज़ में ये तैयार हो जाता है। साथ ही लो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र, वाटर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो लो इन्वेस्टमेंट में भी ये आपका जो है क्रॉप तैयार हो जाता है। साथ ही इसके लिए फर्टाइल सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये आपका हो जाता है। हाई डिमांड भी है एक्सपोर्ट के लिए, तो अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबल जो मिलेट प्रोडक्शन है उसका एस्टिमेट किया गया है 2019 में कि 28 मिलियन मेट्रिक टन तक है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी के लिए हर तरीके से ये काफ़ी बेनिफिट है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या मेजर्स लिया गया है जिससे कि मिलेट प्रोडक्शन को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो इनिशिएटिव है ये आप देख सकते हो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन करके, जिसमें कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहा गया है ये इसका पार्ट भी है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि जो मिड डे मील है और साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस के थ्रू जो लोगों को सब्सिडाइज रेट में जो राशन मिलते हैं उसमें भी मिलेट को इंक्लूड किया गया है, और 2018 में इंडिया में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो यहाँ पे 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद एक रिलेटेड न्यूज़ है जैसे कि दिंदौरी मॉडल ऑफ मिलेट्स कहा गया है। ये दिंदौरी मॉडल यानी कि एक दिंदौरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे मिलेट्स की खूब पैदावार होती है, और एक मॉडल ये क्रिएट कर दिया गया है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट है जो कि इस इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा रिवाइव किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ के लोग जो है ना वो काफ़ी हद तक इसको कंज्यूम करते हैं, इसका प्रोडक्शन भी मास नंबर पर होता है, तो कोडू और कुटकी कल्टिवेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपसे डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए कि दिंदौरी मॉडल ऑफ मिलेट्स जो है ये कहाँ की है, कहाँ की मॉडल है, तो दिंदौरी डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा, एमपी का है, तो फिर आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। फिर आते हैं नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ असेसमेंट रिपोर्ट, तो आपको डायरेक्टली इस रिपोर्ट के द्वारा पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये रिलीज़ की गई है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी इस रिपोर्ट में मुझे नहीं लगता कि खास कुछ पढ़ने की चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है आपका यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, जर्मन बेस्ड थिंक टैंक है ये जर्मन वॉच, जैसे हमारे इंडिया का है नीति आयोग, तो ये जर्मन वॉच है यहाँ पे, इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक्सट्रीम इवेंट कितना ज़्यादा है, जैसे आप देखते हो कि अभी गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो एक्सट्रीम इवेंट से काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ ही अगर ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश है तो हो ही रही है, तो ये एक्सट्रीम इवेंट की जो वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सपोजर है वो यहाँ पर एनालाइज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक अगर हम लोग देखें तो इसमें इम्प्रूव हुई है, दैट्स वाई ये इंडेक्स आपके बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हो कि 2021 में ये 7th रैंक में था, और सॉरी 2020 में ये 5th रैंक में था, अब ये जो है 7th रैंक में आ चुका है। तो हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है वो बेटर हो रही है, इट मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
NAPCC है, नेशनल क्लाइमेट प्लान ऑन क्लाइमेट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। एक्चुअली 2008 में इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया था और इसमें 8 एम्बिशियस ग्लोबल सेट है जो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमारे देश में लाया गया है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिख रहे हो या फिर इससे डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसमें 8 जो गोल है वो क्या क्या है। सबसे पहले है नेशनल सोलर मिशन है जिसके तहत आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट भी है। आपको ये बताना है कि 2022 तक कितनी टारगेट है और 2030 तक का कितना टारगेट है, ठीक है, ये आपको बताना है। साथ ही यहाँ पे देखिए कि नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को बेटर तरीके से हम लोग यूज़ कर सके। नेशनल मिशन है सस्टेनेबल हैबिटाट को लेकर। नेशनल वाटर मिशन है कि वाटर का यूज़ सही तरीके से हो। ग्रीन इंडिया की बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अफॉरेस्टेशन प्रोसेस होगा। नेशनल मिशन है वो भी सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन है जो कि आपका स्ट्रैटेजिक नॉलेज कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। नेशनल मिशन है किसके ऊपर, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये सारे 8 यहाँ पे आप लोग गोल्स देख सकते हो जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये इंडिया का है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्रिएट किया गया है दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके, एक तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और इसको क्रिएट किया गया था 1988 में। आज के डेट में आप देखो तो 195 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ये क्या करते हैं ना कि रेगुलर असेसमेंट करते हैं, यानी कि साइंटिफिक बेसिस पे देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे ये चेंज हो रहा है, तो और जितने भी डिफरेंट फील्ड है उसमें कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये टाइम टू टाइम ये देखते हैं और इस हिसाब से असेसमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से जो है आगे आने वाले यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो की फाइंडिंग क्या है इस तरीके से तो पूछा नहीं जाएगा। फिलहाल आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 8 स्टेट में, और 8 स्टेट कौन कौन सी है तो आप लोग देखो यहाँ पे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में आप देखो कि यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश है और मिज़ोरम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आप लोग ये सारे स्टेट देख सकते हो कि बहुत ही यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, एक है यहाँ पे आप लोग देखो कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो इंडियन एग्रीकल्चर पे भी बताया जा रहा है, तो ये आपका जो असेसमेंट किया गया है ये नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के का ये प्रोजेक्ट है। तो ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो है इंडियन एग्रीकल्चर पे किस तरीके से प्रभाव हुआ है। तो ये बताते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ते ही जाएगा आगे आने वाले दिनों में, ये 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। साथ ही रेनफील्ड जो राइस इल्ड है ना वो यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके की यहाँ पे कुछ इनके द्वारा बताया गया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट भी देखें तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया का जो इमिशन इंटेंसिटी है ना वो आपका जो जीडीपी का अगर हम लोग देखें तो 24% से यहाँ पे कम हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, और 2005 से 2016 का ये डेटा बताया जा रहा है इस 10 साल के बीच में, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी है जो इमिशंस का है वो यहाँ पे कम हुआ है, तो एक विन विन सिचुएशन कह सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग रिलेटेड न्यूज़ देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है वो काफ़ी हद तक आप देखो कि ये मीट हो रहा है, और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का यहाँ पे लाया गया। तो ये सारी चीज़ें साइड में रखिए, आपको ये याद रखना है जो अभी मैं क्वेश्चन पूछी उसका ये जवाब है कि 175 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पे अचीव करना है कब तक, तो दिसंबर 2022 तक, और 450 गीगावाट तक यहाँ पे अचीव करना है कब तक, तो 2030 तक। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी तक हमारा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है तो देखिए सोलर मिशन, सोलर एनर्जी का टारगेट था 100 गीगावाट, लेकिन अभी आप देखो 39 गीगावाट तक इंस्टॉल हो चुका है। रूफटॉप सोलर एनर्जी की बात करें तो 40 गीगावाट था, लेकिन अभी 4.4 ही यहाँ पे गीगावाट अभी हम लोग इंस्टॉल कर पाए। विंड एनर्जी की बात करें तो 60 गीगावाट था, लेकिन 37 गीगावाट ही हम लोग इंस्टॉल कर पाए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पे 7,365 आप CKMS देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें सर्किट किलोमीटर की बात की जा रही है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को याद होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। तो देखिए यूरोपियन यूनियन है जिसमें कि 27 मेंबर्स आपको कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं, ये अपने हिसाब से यूरोपियन क्लाइमेट लॉ लेकर आया है जिनका ये कमिटमेंट है यूरोपियन कंट्रीज़ का कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी करना है 2050 तक। इट मीन्स कि जो ग्रीन हाउस गैस की मिशन है उसको कम करना है, एटलीस्ट 55% कम करना है 2030 तक। तो ये यहाँ पर ये यूनियन है, इनके द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है। अब आप लोग देखो कि पहली ऐसी देश बनी है न्यूजीलैंड जो कि कानून लेकर आए हैं, और फिनेंशियल फर्म्स
की ज़रूरत है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस और फंड मैनेजर्स को। और ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी है उसको मैनेज करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है कि हर एक तरीके से आप देखो डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वो अपने हिसाब से अपने एंड पे ये कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्री चाहते हैं कि कार्बन न्यूट्रल होना कब तक, तो 2050 तक। तो अच्छी बात है यहाँ पे। इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है, इट मीन्स कि हम और यूएस जो है मिलकर यहाँ पे क्लीन इनिशिएटिव यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इस पार्टनरशिप में आप देखो दो मेन ट्रैक हैं, एक तो है स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पे, पेस आपसे पूछा जा सकता है। तो पेस है पार्टनरशिप टू अचीव क्लीन एनर्जी, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था और इसका एम है कि इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ यहाँ पे एक्सेलरेट करना है, और जिससे कि आपका कैसे हो तो रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करके। ठीक है, अब आते हैं पॉल्यूशन पार्ट में। तो पॉल्यूशन पार्ट में क्रक्स पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस यहाँ पर 2020 लाया गया, तो ये ऑर्डिनेंस है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट। यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बॉडी जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल की बोर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कानून के द्वारा बनाया गया है, दैट्स वाई दिस इज़ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। बट ये किस कानून के तहत, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। बट एक डिफरेंट एंगल भी है, वो है यहाँ पे कि ये जो बॉडी है इनकी पावर और फंक्शन जो डिफाइंड की गई है वो वाटर एक्ट के तहत नहीं है, ये एयर एक्ट के तहत है। ओके, एयर एक्ट 1981 का। सो ये दोनों डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये काम करते किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, तो इनको भी यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है प्रोविजन रखा गया है। टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, कार्बन इमिशन को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन कम करने के लिए थामा पावर प्लांट में ये कहा गया था कि इंस्टॉल करना है फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD डीसल्फराइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस है उसको इमिट करने में। तो इसलिए ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि अगर थर्मा पावर प्लांट में इंस्टॉल करते तो इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन है वो यहाँ पे कट डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अच्छा, इंडिया का अगर हम लोग ये बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जो PM है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, सबसे ज़्यादा इमिट क्या करता है, तो सबसे ज़्यादा इमिट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बताया गया है, पावर में, इंडस्ट्री में, तो इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप देखो यहाँ पे सेंटर के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोल और जो लिग्नाइट बेस्ड यहाँ पे थर्मा पावर प्लांट है उनको 100% यूटिलाइज़ करनी है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश एक फाइन पाउडर है जो कि जब कोल जलता है ना थर्मा पावर प्लांट में तो उसके बाद ये एज ए बाई प्रोडक्ट ये निकलता है, और कोल जलता है थर्मा पावर प्लांट में तो इससे आप देखो ये कि एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होती है तो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लाई ऐश जो है वो निकलता है। इसको कलेक्ट किया जाता है, जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं ना उससे कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि ये पोर्टलैंड सीमेंट जैसा रिजेंबल करता है, बट ये केमिकली काफ़ी डिफरेंट है, और ये यूज़ होता है कॉन्क्रीट और सीमेंट प्रोडक्ट में, साथ ही यहाँ पर रोड बेस में और मेटल रिकवरी में। फ्लाई ऐश की बात करें तो ये काफ़ी टॉक्सिक है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी होते हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो फ्लाई ऐशेस आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और आप देखो कि फ्लाई ऐशेस से कई जगह जो है रोड बना दिए जाते हैं, तो 100% यूटिलाइजेशन की बात की जाती है तो रोड बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह मिला जुला के, जिससे कि ये टॉक्सिक तो है बट ऐसा नहीं है कि रोड बन गया तो उसमें आप चलोगे तो आपको भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाएगी इस टॉक्सिसिटी के कारण, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसा काम ज़रूर किया जाएगा जिससे कि अगर इसको सड़कें बनाई जाए या फिर कहीं पर भी यूज़ किया जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो घट जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैरीन लीटर। मैरीन लीटर इट मीन्स कि आप लोग देख रहे हो कि ओशन में प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो ओशन में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो आज के डेट में प्लास्टिक ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस प्लास्टिक को टैकल करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए और क्लीन अप करने के लिए यहाँ पे ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लाया गया है। इस प्रोजेक्ट का एम यही है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को हेल्प करना, फिशिंग सेक्टर को हेल्प करना, जो कि लो प्लास्टिक फ्यूचर्स हो, आगे चलकर इस तरीके का प्लास्टिक का भंडार ना हो। ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है IMO के द्वारा और FAO के द्वारा, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे भी इंक्लूड है। IMO के बारे में बात करें यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है,
और ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो यहाँ पे शिपिंग वगैरह होती है, क्योंकि इतने सारे प्लास्टिक्स होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि शिप्स वगैरह भी सही तरीके से मूव नहीं कर पाते, उनके मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट होते हैं, तो इसलिए ये बेटर तरीके से शिपिंग हो। और मैरीन और जो एटमोस्फेरिक पोल्यूशन है जो कि शिप के द्वारा भी कई बार होते हैं, आप देखते हो कि ऑयल स्पिल वाली जो घटना है वो बराबर हर जगह देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कम हो सके, तो याद रखना है। मैरीन पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे तीन तरीके के पोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है केमिकल पोल्यूशन, क्योंकि आप देखो कि हार्मफुल यहाँ पे कंटामिनेशन होता है, मैन मेड पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, ऑयल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सीवेज, सारी चीज़ें जो है लास्टली कहाँ डंप होती है, तो रिवर में, और वो जाके मिल जाती है ओशन से। इवन आप देखो क्रूड ऑयल भी जो है ओशन में बहुत ज़्यादा आपका हर जगह इंसिडेंस देखने को मिला, एक तो रशिया में इंसिडेंस देखने को मिला, उसके बाद मलेशिया में, मालदीव्स में, तो इस तरीके के हादसा होते ही रहती है, इंडियन ओशन में हो गया, उधर हो गया, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन हो जाता है। लाइट पॉल्यूशन हो रही है, लाइट पॉल्यूशन एक नई तरीके का पॉल्यूशन निकल कर आया है, जो कि आप देखो पानी के अंदर तक ये लाइट जा रहा है। अब लाइट जा रहा है क्योंकि आप देखो कि पानी के अंदर का जो वातावरण है वो वहाँ के स्पीसीज़ के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसमें आप लाइट दे दोगे तो लाइट से ऑब्वियस है कि जो वहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो लाइट जो है ना वो नॉर्मल क्यूज जो होते हैं ना वो यहाँ पर डिसरप्ट कर रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन तो आप जानते हो लाउड और साउंड्स जो यहाँ पे शिप वगैरह सोनार डिवाइसेस से निकल कर आते हैं, जितने भी शिप्स होते हैं उसमें भी आप देखो कि बहुत सारे साउंड होते हैं, सोनार डिवाइसेस में भी बहुत सारे साउंड होते हैं, तो कई जीव जंतु को यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, इनके माइग्रेशन में, क्योंकि इकोलेशन, अभी मैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात करूंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि इकोलेशन के थ्रू वो चलते हैं, वो वैसे कुछ स्पीसीज है जो कि ब्लाइंड रहते हैं, तो वो इकोलेशन के थ्रू चलते हैं, उनका अपना खुद का इकोलेशन होता है, और इस तरीके की जो नॉइसेस होती है मेनली आप समझो कि उस तरीके के जो स्पीसीज है अंधे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ेक्ट क्या है, तो इफ़ेक्ट तो इतना आपसे कोई नहीं पूछने वाला। एक चीज़ याद रखिए, ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, ये आपका कहाँ बना है, तो ये आप देख सकते हो, ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, तो यहाँ पे क्योशो है, कैलिफोर्निया है, नॉर्थ पैसिफिक है, और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एक यहाँ पे आपका बायो मैग्निफिकेशन है, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि जो कंपाउंड है ना वो इंक्रीज़ होते रहती है, इट मीन्स कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में आपका इंक्रीज़ होते रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि मान लो छोटी मछली है, ये प्लास्टिक हमारे द्वारा फेंका गया, ये छोटी मछली ये प्लास्टिक खा ली, उसके बाद इस छोटी मछली को ऑब्वियस है कि बड़ी मछली खाएगी, और ये मछली के साथ साथ जो है प्लास्टिक भी इनके पेट में चला गया, अब इस बड़ी मछली को हम लोग खाएंगे, अब इसके साथ साथ मछली तो खा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये होता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इनिशिएटिव आप लोग देख सकते हो, इंटरनेशनल नेशनल, तो इंटरनेशनल है लंदन कमीशन, सॉरी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, तो ये फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि हमारे मैरीन जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। फिर मारपोल है, मारपोल तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैरीन पॉल्यूशन को ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मारपोल लिखा है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके, इनके द्वारा आप देखो कि रेगुलेट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन जो कि गार्बेज कचरे के कारण होता है, और यहाँ पे प्लास्टिक को जो डिस्चार्ज किया जाता है इस चीज़ को ये रोकते भी हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे GPML, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैरीटाइम लिटर, तो एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो 2012 में ही इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना है। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 14 है जो कि यहाँ पे बात करते हैं लाइफ बिलो वाटर, और उसी में लाइफ बिलो वाटर में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का अगर मैरीन पॉल्यूशन होता है तो उससे हमारी लाइफ बिलो वाटर जो है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती है। इंडिया और जर्मनी की बात करें तो हम लोग मिलकर यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि है सीरीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मैरीन इन्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट का एम है कि हमें कुछ प्रैक्टिस को इन्हेंस करना है जिससे कि हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक जिस तरीके से मैरीन इन्वायरमेंट पे इंटर कर रहा है उसको हम लोग रोक सकें, और ये जो प्रैक्टिस लिया गया है ये कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर में किया जा रहा है, 3 साल और 3.5 ईयर्स में ये देखने को मिलेगा। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के साथ इसको लाइनअप किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिलीज़ की गई है, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपका ब्लू नेचर अलाइंसेस के बारे में बात की जा रही है, तो ब्लू इकोनॉमी जहाँ पे भी आता है तो आप समझो कि हमारे जो ये ओशन है इसके बारे में बात किया जा रहा है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो कि कई सारे ऐसे जगह हो चुके हैं ना जहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो गया ओशन में। डेड जोन क्रिएट हो गया का क्या मतलब होता है कि ओशन का जो पानी होता है उसमें एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में ही हम लोग, आप देखो कि हम लोग इस तरीके से रहते हैं तो हमारे पास, हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट है उससे करते हैं,
लेकिन व्हाट अबाउट वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं? तो ऑब्वियस है कि पानी में भी उतनी ऑक्सीजन है जिससे कि वो बेटर तरीके से इससे ऑक्सीजन इनहेल कर सके। लेकिन आप समझो कि कुछ ऐसे ओशन के एरिया हो चुके हैं जहाँ पे लो ऑक्सीजन पाया जा रहा है, एक हाइपोक्सिक एरिया ये क्रिएट हो चुका है वर्ल्ड के ओशन और लेक में। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिनके कारण ये डेड जोन क्रिएट हो रहा है। वहाँ की बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे वेल फिशेज आपके मरते जा रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारी मछलियाँ जो है वो टर्की में, हम लोग ने देखा कि टर्की के कोस्ट में जो है, सॉरी टर्की नहीं, लेबनान के कोस्ट में जो है वो मरी मरी हुई मिली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आप लास्ट ईयर का न्यूज़ देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी जो है वेल फिशेज थी, और साथ ही वहाँ का पानी पीने के बाद जो है काफ़ी एलिफेंट्स की भी डेथ हो गई। और उड़ीसा के कोस्ट में भी आप देखो कि वेल मछली की भी काफ़ी डेथ हो गई है। तो ये सारे रीज़न है, ये हिडन रीज़न है कि वो डेड जोन बन चुका है, वहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण ये सारे फिशेज और ये सारे स्पीसीज एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो अपना जान, मतलब कि उनकी जान जा रही है। ठीक है, इलीगल सैंड माइनिंग की बात की जा रही है, बट इसमें आपको क्या जानना है? ये जानना है कि सैंड एक मेजर मिनरल है कि माइनर मिनरल है। कोई भी मिनरल आपका दो पार्ट में होता है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। जितने भी मेजर मिनरल होते हैं ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, और जितने भी माइनर मिनरल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। तो सैंड यहाँ पे माइनर मिनरल है। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आई थिंक इट वॉज इन 2019 प्रीलिम्स। तो सैंड इज़ अ माइनर मिनरल्स, और ये किसके अंदर आता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना तो आपका प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आते हैं बायोडाइवर्सिटी वाले फील्ड में, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें, सारे लोगों को इन्वायरमेंट से एक्सेस होना चाहिए, लेकिन सब मिल बांट के उसका बेनिफिट ले। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो कि ऑक्सीजन मैं सब ले लेती हूँ। हम लोग सबको ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एक हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हेल्दी एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज भी बनता है ना कि हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट को गंदा ना करें, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करें, हम लोग अपने जो है प्राइवेट व्हीकल्स को कम यूज़ करें, जिससे कि आप देखो कि जो पेट्रोल डीजल से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, हमारी एयर क्वालिटी डिस्टरप्ट होती है, तो ये सारा काम ना करें, जिसके लिए नागोया प्रोटोकॉल लाया गया था। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल में 130th कंट्री यहाँ पे ऐड हुई है, जिसका नाम है ब्राज़ील। ओके, तो करंट अफेयर्स में ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये देखिए न्यू है, नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान है, 2001 से लेकर ये 6 तक है, 5 साल का ये प्लान लेकर आया गया है। बट ये प्लान लाया किसके द्वारा गया है? तो ऑब्वियस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मैरीन टर्टल के बारे में पूरा समझना है। तो मैरीन टर्टल की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो देखिए 5 ऑफ द 7 स्पीसीज़, टोटल 7 स्पीसीज़ है, जिसमें से 5 स्पीसीज़ हमारे देश में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन है? ऑलिव रिडली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन है, हॉक्सबिल है, लॉगर हेड है, और लेदर बैक टर्टल्स है। लेकिन इंडिया में आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो टर्टल्स होते हैं वो ऑलिव रिडली टर्टल्स होती है, और पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे इतनी सारी जो फीमेल टर्टल्स है वो आती है और अपने अंडे देती है। तो ये कहाँ है? ये गहीरमथा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा कोस्ट में है। यहाँ पे एक आपका नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। चलिए आगे आने वाले टाइम में, मतलब आगे आप जैसे बढ़ोगे आधे घंटे बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्लीज़ पॉज द वीडियो और कमेंट कीजिए, तो फिर आगे बढ़िएगा। साथ ही लेदर बैक की अगर हम लोग बात करें, तो ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा जो सी टर्टल है। ऑलिव रिडले सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा जो है ये लेदर बैक होता है। इसका जो बैक पोर्शन आप देखोगे ना, ये बहुत ह्यूज होता है। तो ये सारे ओशन में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नहीं पाया जाता, बाकी हर एक ओशन, चाहे वो अंटार्कटिक हो, अटलांटिक हो, इंडियन ओशन हो, ये लेदर बैक पाए जाते हैं। इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो दे नेस्ट ऑनली इन, मतलब कहाँ कहाँ ये अंडे देते हैं? तो इंडोनेशिया, इंडिया के अलावा आप देखो इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार, तो ये 3 देश का भी नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पे एक टेबल है, ये जो 5 स्पीसीज़ हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं, सबको यहाँ पे Schedule 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। यस, अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑलिव रिडली की बात करें तो ये आपका वल्नरेबल है। ठीक है, ग्रीन यहाँ पे कुछ है तो उसको हम लोग इंडेंजर्ड में रखें। हॉक्सबिल की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो हॉक्सबिल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल देखें तो लेदर बैक है, और लेदर हेड भी जो है ये आपका लॉगर हेड भी जो है वल्नरेबल है। ठीक है, उसके अलावा चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ऑलिव रिडली जो कि आपका उड़ीसा के ऋषिकुल्या और गहीरमथा रिवर में देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, लक्षद्वीप में भी, आंध्र प्रदेश में भी, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो ऑलिव रिडली जो है आप देखो कि बहुत तरीके, बहुत जगह पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। लेदर बैक की बात करूँ तो ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है।
हॉक्सबी सेकंड है, तो ये भी अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप में पाया जाता है। ग्रीन की बात करें तो ये भी अंडमान है, निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये जो 5 स्पीसीज आपको देखने को मिला, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी। वन थिंग कॉमन है सब में कि यहाँ पे आपका सब जो है अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज़ की गई है मैरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि जो कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी का, उस चीज़ों को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है। अब आते हैं अफ्रीकन एलिफेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है, क्योंकि आप देखो कि जो सवाना एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मच स्मॉलर लाइट जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस टू आर सब स्पीसीज़ जो अफ्रीकन एलिफेंट है, यानी कि सवाना एलिफेंट और यहाँ पे आपका लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट, ये दोनों अफ्रीकन एलिफेंट का ही सब स्पीसीज़ है। फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें तो जो कि आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल अफ्रीका के जो जंगल है, ट्रॉपिकल जंगल, वहाँ पर ये रहते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, यानी कि ज़मीन में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, तो अफ्रीकन एलिफेंट। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम एशियन एलिफेंट, तो एशियन एलिफेंट आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी स्मॉलर होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट से स्मॉलर होते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं, और जो एशियन एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं ना वो भी स्मॉलर होते हैं एज़ कंपेरिजन टू अफ्रीकन। अफ्रीका के लोग भी आप देखते हो कि लंबे लंबे होते हैं, तो उसी हिसाब से आप एनिमल्स का भी याद रख सकते हो कि वो भी बड़े होते हैं एशिया के एलिफेंट के कंपैरिजन में। सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मेल एशियन एलिफेंट है जिनका टस्क होता है वो दांत, वहीं अगर हम लोग दोनों मेल और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो वो जो है टस्क के साथ ही होते हैं। एलिफेंट, एशियन एलिफेंट में 3 सब स्पीसीज़ हैं, एक इंडिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं और सुमात्रा वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो एशियन एलिफेंट आप देख लिए कि यहाँ पे 3 तरीके के देखने को मिलेंगे, एक हमारे देश में है, साथ ही श्रीलंका है और सुमात्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि एशियन एलिफेंट सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते तो वो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एलिफेंट की बात करें, अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन थे, उसी की डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लीडर के ग्रुप के जो एलिफेंट के ग्रुप के जो लीडर होते हैं ना, वो यहाँ पे फीमेल एलिफेंट होती है। ठीक है, और सेकंड है कि फीमेल एलिफेंट जो है वो यहाँ पे 60 से 70 ईयर्स वो जीती है, उनका लाइफ पीरियड इतना है। और एलिफेंट में आप देखो कि लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, वो भी सारे मेमल्स होते हैं ना, तो उनका उनमें से आप एलिफेंट का देखो तो जेस्टेशन पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है, 22 मंथ का होता है। ह्यूमन बींग में आप देखते हो कि 9 मंथ में बेबी हो जाते हैं, और भी मेमल्स है जिनका 12 मंथ, आप देखो 12 मंथ्स लगता है, 15 मंथ्स लगता है, बट एलिफेंट का आप देखो 22 मंथ्स के बाद इनके बेबी होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये तीनों से लास्ट ईयर क्वेश्चन थे ये तीनों स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अगर पढ़ते जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाली है, कोई भी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप PT 365 बहुत अच्छे से करके जा रहे हो। लास्ट ईयर क्या था कि मैं PT 365 कंप्लीट नहीं करा पाई थी, लेकिन इस बार मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं आपको रिविजन सीरीज़ ज़रूर दूंगी, क्योंकि 2020 का जब मैं क्वेश्चन पेपर देखी थी तब मुझे ऐसा लगा कि एक PT 365 है जिसमें आपका क्या होता है कि सारी टॉपिक रिवाइज़ हो जाती है, तो ये क्विक रिविज़न सीरीज़ बस इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि आप लोग आराम से बैठ के इसको 2-4 बार वीडियो ज़रूर देख लो, जिससे कि चीज़ें आपके माइंड में स्टिक हो जाए। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग देखो कि कुछ स्पेसीज़ है ओल्ड स्टेटस और न्यू स्टेटस, तो ओल्ड स्टेटस को बिल्कुल मत देखिए, न्यू स्टेटस पे ध्यान रखिए, इतना याद नहीं रहता है। फॉरेस्ट अगर एलिफेंट की बात करूँ तो आज के डेट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखना है वो आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। फिर अगर सवाना एलिफेंट की बात करूँ तो ये इंडेंजर्ड है, लेकिन अगर एशियन एलिफेंट की बात करूँ तो अभी तक इसका कोई भी स्टेटस नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए फॉरेस्ट एलिफेंट। ओके, एलिफेंट रेंज कंट्री आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, एशियन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे इंडिया में आ है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये है सुमात्रा वाला रीजन, इंडोनेशिया वाला रीजन, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कहाँ, श्रीलंका में भी देख रहे थे, तो यस ये श्रीलंका में भी कवर किया गया है, कुछ आप लोग को एशिया वाले देश में भी देखने को मिलेगा और सुमात्रा में भी। अफ्रीकन कंट्रीज़ तो है वो, जो कि अफ्रीकन एलिफेंट आपको सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को मिलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडियन राइनो विज़न 2020। अब आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, इट वाज इन 2018 और 2019, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट इतना याद है कि हाँ राइनो से क्वेश्चन आए थे।
तो इंडियन राइनो विजन्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन राइनो विजन 2020 लाया 2020 में लाया गया था, जो कि दो राइनोज़ को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया है। और वो भी कहाँ से, तो आप देखो कि ये मानस नेशनल पार्क में किया गया है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो दोनों एक्चुअली असम में ही हैं। तो पहले ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, इसमें से दो जो राइनोज है उनको मानस नेशनल पार्क में आपका ट्रांसलोकेशन किया गया है। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, मुझे इस बार स्ट्रांगली बिलीव हो रही है, इट्स माय इंट्यूशन कि इस बार आपका चीता से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि चीता को ट्रांसलोकेट किया गया। तो ये सारे टॉपिक्स आप पकड़ सकते हो और ऐसे आप गेस्ट लगा सकते हो, और ये तभी हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हो। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आते हैं इंडियन राइनोज विजन 2020 पे। एक्चुअली ये 8 राउंड है राइनो ट्रांसलोकेशन का, ये मतलब कि 8 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन किया गया है राइनो टास्क फोर्स 2005 के साथ, जिसका टारगेट है कि राइनो की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना है। देखिए, ट्रांसलोकेशन करने का मतलब ही ये होता है ना कि एक तो कि कोई भी एनिमल है अगर जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे उनकी अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो उनका क्या करना है कि दूसरी जगह, ऐसी जगह देना है जहाँ पे इन्वायरमेंट तो सेम हो, उनके हैबिटाट सेम हो, वहाँ के टेम्परेचर वगैरह, क्लाइमेट कंडीशन सब कुछ सेम होनी चाहिए, और एक कहीं ना कहीं होप हो कि हाँ अगर हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ इनको लेकर आते हैं ना तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो एक टारगेट है यहाँ पे कि 2020 तक 3000 करना है। और ये 7 प्रोटेक्टेड एरिया जो आसाम में है उसी के थ्रू यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि राइनोस आसाम में ही आपको काजीरंगा वगैरह में देखने को मिलता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये सारे यहाँ पे एरिया है जहाँ पे आपको राइनोस देखने को मिलेंगे, काजीरंगा, पवित्रा, ओरांग, मानस और लाखोवा, और ये देखिए भुरजपुरी, दिब्रू सिखोवा। तो ये 7 ऐसे एरिया है जहाँ पे आपका आसाम में राइनोस मिलते हैं। अब राइनोस के भी बहुत टाइप्स है, इसको भी देख लीजिए आप। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, जो कि इंडियन राइनोस इसको हम लोग कहते हैं, वन हॉर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस जो है हमारे इंडियन राइनोस कहते हैं, लेकिन ये हमारे सुमात्रा राइनोस भी है, जावान राइनोस भी है और इंडियन राइनोस भी है, जावा वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन राइनोस जो है ना ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही एशियन राइनोस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्विम करते हैं, और साथ ही साथ ही आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। और इंडिया में अगर हम लोग देखें तो आसाम के साथ साथ वेस्ट बंगाल और यूपी में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी IUCN रेड लिस्ट आप देख सकते हो, वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्कीड्यूल 1 में है। तो इतनी डेटा इसके बारे में याद रखनी है। अब इसी के साथ जावान जो राइनो है और सुमात्रान राइनो है इसके बारे में भी देख लीजिए। एक्चुअली सुमात्रान राइनोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन जावान राइनो भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका सुमात्रान राइनोस जो है इसमें 2 हॉर्न है, ठीक है, 2 सिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जावान जो राइनो है इसमें 1 हॉर्न है। तो देखिए एक स्लाइटली डिफरेंस होते है ना, और ये डिफरेंस आप एक बार अगर मेरे लेसन सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैं रिपीटेडली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2-3 बार तो ज़रूर इसे देख ले, तब तक देखिए जब तक आपको याद ना हो। कोई कोई देखिए हर एक की टेंडेंसी कैपेसिटी अलग होती है, कोई कोई बच्चे होते हैं जो 1-2 बार देख के ही सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं कि 5-6 बार भी देखना पड़ता है तब याद होती है। तो ये डजेंट मैटर, आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करो। चलो अब मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, सिर्फ हम लोग स्टिक रहते हैं टॉपिक पे। वाइट राइनोस की बात करें तो ये भी 2 हॉर्न है और इसकी IUCN जो रेड लिस्ट है वो यहाँ पे थ्रेटन्ड है। ये अफ्रीकन राइनोस में आते हैं वाइट राइनोस, और ब्लैक राइनोस भी आपका अफ्रीकन में है, ये भी 2 हॉर्न है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो याद रखना, ठीक है। चलिए एशियन और अफ्रीकन राइनोस की बात हो रही है, ठीक है। तो एशियन में आप लोग देखो कि 3 तरीके का हो गया, एक तो इंडियन हो गया जो कि सबसे लार्जेस्ट है, और साथ ही साथ उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया सुमात्रान। तो सुमात्रान में क्या होता है, इंडियन राइनोस आपका 1 हॉर्न राइनोस है, सुमात्रान राइनोस आपका 2 हॉर्न राइनोस है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। साथ ही साथ अगर हम लोग जावान की बात करें तो यहाँ पे जावा वाला रीजन में, तो ये वाला क्या है, इसमें भी 1 हॉर्न राइनोस है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग अफ्रीकन राइनोस की बात करें तो अफ्रीकन में भी आपको वाइट राइनोस देखने को मिलेंगे और ब्लैक राइनोस देखने को मिलेंगे, और ये दोनों जो है आपका 2 हॉर्न है, ठीक है, 2 हॉर्न आपको देखने को मिलेंगे, और जो ब्लैक है वो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में 3 राइनोस आ गए, एक ब्लैक राइनोस जो कि आपका अफ्रीकन है, और इंडियन में अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाता है सुमात्रान और जावान, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब ये प्रोग्राम लाया गया है तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। राइनो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यूपी, नेपाल, ये एकदम से जगह दिया गया है, पूरा प्लेसेस है, इसको आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड और ये आपका जो है यहाँ पे
आसाम वाला जो रीजन है उसके बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, तो इतना आप लोग देख सकते हो, ठीक है। साथ ही हम लोग आए आगे बढ़ते हैं, तो अदर कंजर्वेशन एफर्ट्स देखते हैं कि क्या क्या राइनोज़ के लिए लाया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखो कि नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाया गया है और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2019 में, ठीक है। और वर्ल्ड राइनो डे जब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था तब, जिससे कि जो वन हॉर्न राइनोज़ है उनको कंजर्व किया जा सके, ये मेन इसका एम था। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक्टिव इंगेजमेंट यहाँ पे देखने को मिला था, हमारे देश के साथ साथ नेपाल भी था जो कि इस स्पीसीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे निकल कर आए। साथ ही अगर सिंगल पॉपुलेशन हम लोग देखें, यानी कि एक ही पॉपुलेशन अगर हम लोग राइनोज़ की देखें तो कहाँ कहाँ है, एक तो आपको नेपाल के शुक्ला पांता में देखने को मिलेगा, बिहार में आप देखो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से इंडिया में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद इंडिया में दुधवा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल ये आपका पॉपुलेशन बचा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था 2019 में जो कि एशियन राइनोज़ में ही है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया है जिसमें कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे टारगेट रखा गया है 3 स्पीसीज़ जो कि एशिया की जो राइनोज़ है, 3 स्पीसीज़ याद रखना है, एक तो इंडिया हो गया, एक सुमात्रन हो गया, एक जावार हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया की फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट फेल्स, तो ये फेल हो चुका है, लेकिन हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि यहाँ पे हाँ कौन सी प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखिए इंडिया का पहला जो इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की बात की गई थी वो 2008 में की गई थी, जो कि कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश से ये उड़ीसा में जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें की जा रही हैं। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर दो बिग कैट्स थे, यानी कि टाइगर हैं, एक मेल है जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व है, और एक फीमेल है जो कि सुंदरी आपको देखने को मिलेगा बांधवगढ़ से लेकर आपका और मध्य प्रदेश से ये रिलोकेट करना था, कहाँ, सतकोसी टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ है, तो यहाँ पे सतकोसिया इसे कहते हैं उड़ीसा में, ठीक है। तो रिलोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या था, दो पर्पज़ था, एक तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इनकी टाइगर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डाउन होते जा रही थी, ठीक है, तो टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना था, साथ ही रीइंट्रोड्यूस करना है टाइगर को उस एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो आपका बहुत सारे रीज़न के कारण रिड्यूस हो चुका है। तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पे कि रीलोकेशन आपका दो ही मैटर के लिए किया जाता है, एक तो सबसे प्राइमरी होती है कि इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करनी है, और दूसरी ये कि रीलोकेट करना है, तो इसमें आपका सारी चीज़ें देखी जाती है कि पहले जिस तरीके से इनको इन्वायरमेंट का कंडीशन मिल रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही थी, सारी फैसिलिटी मिल रही थी, उस तरीके की फैसिलिटी सेम उनको दूसरी जगह मिलेगी कि नहीं, इस बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो ये तो फेल हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आप लोग देखो कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ट्रांसलोकेशन का, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजा जी, तो एक्चुअली ये जो टाइगर का ट्रांसलोकेशन किया जाता है ना, फर्स्ट इसको अप्रूव की जाती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और ये 2016 में ये अप्रूव किया गया था, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि टाइगर का रीलोकेट करने का अथॉरिटी और पावर किसके पास है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास है। अब इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाया गया है, और ये जो बॉडी है ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राजा जी टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तो राजा जी टाइगर रिजर्व्स आपका उत्तराखंड में है, शिवालिक रेंज में देखने को मिलेगा, और ये सेकंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का अगर जिम कॉर्बेट के बाद देखें तो। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजा जी है, तो ये सब याद रखना है कि कहाँ के हैं। साथ ही ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये सिचुएटेड है, लेकिन आपको पता है जिम कॉर्बेट की बात कर रही हूँ कि नैनीताल में, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारे देश का। ये पहली बार जो है प्रोजेक्ट टाइगर के इनिशिएटिव के तहत जो है जिम कॉर्बेट को लाया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड है, तो चलिए ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जिनके द्वारा ये रिसीव किया गया है एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, और ये जो प्रेजेंट किया गया था ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो यहाँ पे बॉडी है जिनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ है, जैसे ये सारे एनिमल्स आप देखते हो, इनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, इनको गलत तरीके से इलीगल तरीके से पकड़ा जाता है, किसी के स्किन के लिए, किसी के लिए दांत के लिए, किसी के कुछ और चीज़ों के लिए, तो बॉडी पार्ट्स के लिए, तो इनको यहाँ पे गलत तरीके से पकड़ के मारा जाता है, और इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है जहाँ पे रह रहे हैं उस तरीके से लॉस हो रही है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम काफ़ी तरीके का देखने को मिल रहा है, तो इस क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पे एक आपका बॉडी बनाया गया था जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। एक्चुअली ये इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम के फील्ड में ये काम करते हैं, और इसका एम है कि वाइल्ड लाइफ वेल्थ को कंजर्व करना एक प्रॉपर इफेक्टिव इंटरवेंशन करके,
और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बॉडी आपका बनाया गया है और काम करते हैं एज़ यूजल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। इसको नोडल एजेंसी भी कहा गया है, जो साइट्स है ना उसकी ये नोडल एजेंसी भी है, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फोर्समेंट है तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इसको अवार्ड किया गया है इनोवेशन के कैटेगरी में। और कौन सी ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन वाइल्ड नेट सेकेंड है। तो ऑपरेशन वाइल्ड नेट क्या है, एक्चुअली ये एक इस बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये ऑपरेशन, जिससे कि जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, जो कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, गलत तरीके से जितनी भी ये जानवरों की ट्रेड व्यापार हो रही है, वो भी इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, चाहे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब का, तो उसके लिए अटेंशन ड्रैग करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन वाइल्ड नेट कहा गया है। तो वाइल्ड है जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स सब आते हैं, और नेट है यानी कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट के ऊपर ये जो क्राइम हो रही है, इलीगल तरीके से इनकी ट्रेडिंग हो रही है, उसको यहाँ पर अटेंशन लाने के लिए डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए ये जो आपका WCCB है, इनके द्वारा एक इनोवेशन किया गया है जिसके लिए इनको अवार्ड दी गई है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, ये है मियावाकी टेक्निक फॉर अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका एक टेक्निक है, मियावाकी टेक्निक, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है जिसमें कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है, जिनके द्वारा ये टेक्निक इस्तेमाल किया गया है मियावाकी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया में फॉरेस्ट को क्रिएट कर सके। ओके, तो अगर मियावाकी टेक्निक के बारे में देखें तो एक्चुअली ये पेड़ रोपण के लिए है, अफॉरेस्टेशन मेथड है, और ये काम करते, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है मियावाकी है, तो ये जापानीज से, ये जापान से निकल कर आया है। एक्चुअली इस टेक्निक से क्या है ना कि यहाँ पे जो लेयर ऑफ फॉरेस्ट है उसको कंप्रेस किया जाएगा। जैसे लेयर ऑफ फॉरेस्ट आप देखते हो कि पहले ग्रास होते हैं, उसके बाद श्रब होता है, फिर ट्री होता है, फिर कैनोपीज भी होते हैं, और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे तरीके के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, मियावाकी टेक्निक आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फॉरेस्टेशन मेथड है, कहाँ का है, जापान का है, और फॉरेस्ट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, वो भी अर्बन एरिया में। फाइन, देखिए बेनिफिट्स क्या होगा मियावाकी टेक्निक का, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉइल और जो क्लाइमेट कंडीशन है वो यहाँ पे बेटर तरीके से काम हो पाएगा। टेम्परेचर जो कम होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। मिनी फॉरेस्ट जो है वो 10 टाइम्स फास्टर ग्रो हो पाएगा, और 30 टाइम्स जो है ये डेंसर हो पाएगा। एयर और जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये सारे कम हो पाएंगे। और मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि रीजेनरेट होगा लैंड, वो भी फार लेस टाइम में, जितना भी टाइम आप देखते हो कि फॉरेस्ट रिकवर करती है खुद को। तो फॉरेस्ट अगर रिकवर करती है खुद को तो वो 70 ईयर्स हो जाता है, लेकिन आप लोग देखो कि मियावाकी जो टेक्निक है उससे काफ़ी फास्ट तरीके से ये फॉरेस्ट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। और ऑब्वियस है कि अर्बन एरिया में जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा ना, उतना ज़्यादा आप देखो कि कार्बन जो इमीशन हो रही है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो पाएगा, सिक्वेस्ट्रेशन हो पाएगा, तो हमारी जो कार्बन इमीशन को लो करने का जो टारगेट है वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान में। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कानून है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, ये आया है 2018 का, बट जो बेसिक फैक्ट्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन है ना, यानी कि कोस्टल एरिया जो होती है, जैसे हमारा सदर्न वाला पोर्शन आप देखते हो, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, टोटल 9 स्टेट आते हैं इसमें, तो इसको रेगुलेट करने के लिए बेटर तरीके से यहाँ पे आपका एक कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया गया है। तो इस जोन में भी आपका बहुत तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको कैटेगरी 1A में रखा गया है, जो इंटर टाइडल एरिया है ये आपका 1B में है, और सेकंड अगर जोन देखें तो ये एरिया है जो कि यहाँ पे शोर के किनारे आपका डेवलप किया गया है। साथ ही यहाँ पे थर्ड ए है, जो कि थर्ड ए है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपका 2161 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया के हिसाब से ये ज़्यादा डेंस है। अगर थर्ड बी की बात करें तो वैसी एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और भी इससे कम है। 4A की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है। 4B की बात करें तो टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़ है, और उसके बाद NDZ आता है जो कि 50 मीटर से टाइड हाई टाइड लाइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोरा एंड फौना, जो भी न्यूज़ में है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये नाम तो याद नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कुछ यूनिक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। वेनस फ्लाई ट्रैप है, वेनस फ्लाई ट्रैप अगर हम लोग देखें तो ये है क्या, वेनस फ्लाई ट्रैप आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये जो है कैपेबल है कि एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर पाती है। ये प्लांट जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखो कि कुछ पौधे होते हैं ना जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो है इनके पास आते हैं, तो याद रखना है। फिर है लांटाना कामारा, तो लांटाना कामारा की बात करें तो ये ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब्स है, और लंटाना की बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड की 10 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज़ है। इन्वेसिव स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि उसी जगह पे रहना
और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये फालतू का वहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण आप देखो कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग भी देखते हो कि बहुत सारे पेड़ पौधे आप लोग उगाते हो अपने गार्डन में, तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे उग के आ जाते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, तो वही है, ठीक है। साथ ही है मैंडरिन डक, तो ये माइग्रेटरी बर्ड है जो कि रशिया, कोरिया, जापान और चाइना के पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पाए जाते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये लोकेट किया गया है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है क्योला कैंथ, तो क्योला कैंथ एक आप देखो कि ये जाइंट फिश है, बड़ी फिश है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये पाई जाती थी, लेकिन ये बिलीव किया जा रहा है कि अभी एक जिंदा इस तरीके का फिश जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। फिर है हिमालयन सेरो, तो हिमालयन सेरो अगर हम लोग देखें तो पहली बार में हिमालयन सेरो जो है वो आसाम के मानस टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है, इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में भी देखने को मिला था। और ये जो सेरो है ये शेड्यूल वन में रखा गया है और इसकी जो IUCN रेड लिस्ट है ये वल्नरेबल है। ओके, फिर आते हैं थ्री बैंडेड रोज फिंच, तो थ्री बैंडेड रोज फिंच की बात करें तो यहाँ पे न्यू बर्ड है, ये बर्ड का नाम है और रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा कहा गया है कि ये न्यू बर्ड है जो कि इसकी प्रेजेंस देखी गई है। तो अगर हम लोग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 1883 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज है साथ ही ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री जो है उसको ये एक्सप्लोर करते हैं, तो इस बॉडी का ये पूरा काम है। न्यू स्पीसीज जो इंडिया में डिस्कवर किया गया है आप इसको देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वॉट जितने भी डिस्कवर्ड किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो दो न्यू यहाँ पर रेड एल्गल सी विड्स स्पीसीज देखने को मिला है इंडिया के कोस्ट लाइन में, एक तो है तमिलनाडु में और एक है गुजरात में। तो तमिलनाडु में हैपनिया इंडिका है और सोमनाथ पैंथन और शिवराजपुर है गुजरात में। तो याद रखना है कि रेड एल्गल सी विड्स स्पीसीज है। हैपनिया बुलाटा की बात करें तो ये डिस्कवर किया गया है कन्याकुमारी और दीव आइलैंड ऑफ दमन एंड दीव में, और ये आप लोग देखो कि इंटर टाइडल जो रीजन होते हैं ना वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। एक न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज है जिनका नाम आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही छोटी नाम है, ठीक है, इसे आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लो, और ये डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट में, जो अगस्त माल्य है ना उसमें ये आपका डिस्कवर किया गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में रहे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इससे तो एक दो क्वेश्चन तो बनते ही है। गोवा की बात करें तो यहाँ पर है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो काफ़ी सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न है जिसके कारण ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में आया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स में ये आपका लोकेटेड है और गोवा में है, तो इसलिए याद रखना है। यहाँ पे फेमस दूध सागर जो वाटरफॉल है वो आपको वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं गुजरात, तो गुजरात में है यहाँ पे शेत्रुंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एशियाटिक लाइन रहते हैं, लेपर्ड है और हर्बीवोर्स है, और जैसे कि आपका ब्लू वॉल्स, ये सारे स्पीसीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ना एक पैच ऑफ हिली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का आपको देखने को मिलेगा, साथ ही शेत्रुंजी रिवर्स है जो कि इस फॉरेस्ट एरिया से ये आपका रिवर फ्लो होती है। केरल की बात करें तो केरल में आप देख सकते हो कि वेम्बनाथ जो लेक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर मन की बात में जो है यहाँ पे कहे थे कि केरल में के जो फार्मर्स है ना वो यहाँ पे वेम्बनाथ लेक को क्लीन करें। ये लार्जेस्ट लेक है, यानी कि सबसे बड़ा लेक आपको केरल में देखने को मिलेगा और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का वेम्बनाथ लेक, ठीक है। तो वल्लम काली है, ये एक स्नेक बोट रेस होता है जो कि इसी लेक में आपको देखने को मिलेगा, एक लंबी बोट होती है इसी में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और ये बोट रेस होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लम काली कहाँ होता है, तो वल्लम काली आपका जो है ये केरल के वेम्बनाथ लेक में होता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं। और वेम्बनाथ लेक की बात करें तो ये वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत देखने को मिलेगा। और कुमरा कॉम जो बर्ड सेंचुरी है ये भी लोकेटेड है कहाँ, तो इस लेक के ईस्ट कोस्ट में। मध्य प्रदेश में बात करूँ तो ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है जहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे, जंगलों में आग लगने लगी है, और इससे पहले आप देखो कि इसी तरीके का इंसिडेंस जो है उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व में देखने को मिला था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के में जो विंध्या हिल्स है वहाँ ये फैला हुआ है, और इसको कहा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर्स भी, यहाँ पे आपको फौना देखने को मिलेंगे, तो ये भी याद रखना है। मेघालय में बात करें तो नोंगखेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंडिया का फर्स्ट बैम्बू ड्विलिंग बैट जो कि स्टिकी डिक्स के साथ ये रिकॉर्ड किया गया था,
ये जो सेंचुरी है ये रीबोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है नॉर्थ ईस्ट की, और ये ईस्टर्न हिमालय जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेघालय की याद रखना है, और ये पहली यहाँ पे बैम्बू ड्विलिंग जो बैट विथ स्टिकी डिक्स है तो ये यहाँ पे पाया गया, तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो यहाँ पे कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की, केरल की बात करूँ मैं, उड़ीसा की बात करूँ तो 6 एलिफेंट यहाँ पे डाई हो चुके हैं, और वो भी लास्ट 14 डेज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि एक क्या बोलूँ, मतलब ऐसा कुछ न्यूज़ सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो कि इनकी डेथ हो गई, और एक दो नहीं यहाँ पे टोटल आप देखो कि 6 है। ये जो सेंचुरी है ये कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसमें आपको इस एलिफेंट के अलावा लेपर्ड गौर सांबर सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट था, तो चलिए ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन आपको सतकोसिया के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक मीटिंग पॉइंट है दो बायो जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया का, एक तो डेक्कन पेनिनसुला है और एक ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये सतकोसिया के बारे में पूछ लिया जाए तो ये याद रखना है। सिमलीपाल बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये भी उड़ीसा का ही है, तो ये लोकेटेड है मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न में है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि सिमलीपाल सेंचुरी है, यहाँ पे नाटो और सतकोसिया रिजर्व फॉरेस्ट है, साथ ही यहाँ पे जो नाम है सिमुल, ये सिल्क कॉटन ट्री है यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में, इसलिए इसको सिमलीपाल कहा जाता है, और इसको जो है आपका यूनेस्को के क्रिटिकल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया। ये लार्जेस्ट जोन है सॉल का पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, तो इसलिए इसको याद रखनी है। तमिलनाडु की बात करें तो ये श्रीविपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व्स है, रिसेंटली अगर ये हम लोग टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो तमिलनाडु में है, और ये इंडिया की 51st टाइगर रिजर्व्स हो चुकी है, तो इसलिए भी याद रखनी है कि इसको अप्रूव कर दिया गया है सेंटर के द्वारा और 51st हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखो कि मेघमलाई और श्रीविपुतुर जो है ये सब है यहाँ पे। अदर अगर हम लोग टाइगर रिजर्व से तमिलनाडु में देखें तो कालाकड़ है, अनामलाई है, मुदुमलाई है और सत्यमंगलम है, ठीक है। तो अगर मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये थेनी और मदुराई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, वहीं अगर हम लोग यहाँ पे श्रीविली पुतूर ग्रिजल्ट स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये केरल के जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ना इसी के साथ ये कनेक्टेड है। उत्तराखंड में बात करें तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो रिसेंटली आप देखो कि नंदा देवी ग्लेशियर है जो कि यहाँ पे ब्रोकआउट हो चुका है, टूट गया था ये उत्तराखंड में और उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, और एक एवलांचे आया था जो कि कहाँ, तो अलकनंदा रिवर सिस्टम में। नंदा देवी अगर ग्रुप हम लोग ग्लेशियर्स का देखें तो ये नंदा देवी सेंचुरी में ही पाया जाता है, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इसको प्रोटेक्ट भी किया गया है। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्लस्टर ऑफ ग्लेशियर्स है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ये जो ग्लेशियर्स है ये आपका नंदा देवी पिक पे है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन आप कह सकते हो कंचनजंगा के बाद हमारे देश में। नंदा देवी पिक जो है ना ये गढ़वाल हिमालय को फॉर्म करता है, और जो नंदा देवी ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ये सेवरल स्ट्रीम्स और रिवर्स से ये फॉर्म भी करते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट फ्लो है वो है ऋषि गंगा रिवर, और बाद में जाकर ये धौली गंगा रिवर को ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये कोर एरिया है नंदा देवी, और वैली ऑफ जो फ्लावर्स नेशनल पार्क है उसी का ये आपका पार्ट भी है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर साथ में देखें तो ट्रांजिशन जोन है हमारे माउंटेन रेंज का, जो कि झांस्कर और ग्रेट हिमालय का है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, पंचायत फॉरेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, ग्रासी स्लोप्स है, अल्पाइन मेडोज है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर आते हैं देवलसारी रीजन, तो देवलसारी रीजन जो है ये भी आपको तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स था जिसको उत्तराखंड का, और ये रीजन काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी में, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। साथ ही अगर आते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में, सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में आप समझिए कि ये है क्या। ये एक यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी रिच देखने को मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी रिच अगर हम लोग कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ है जो कि इंडमेज है, वो बस इसी रीजन में पाए जाते हैं। रेयर इंडमिक और थ्रेटेंड स्पीसीज़ भी है, इवन कीस्टोन स्पीसीज़ भी है। कीस्टोन स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि ऐसी स्पीसीज़ जो कि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें काफ़ी और भी ज़्यादा स्पीसीज़ उन पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये कीस्टोन स्पीसीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाए तो इनके कारण ऑटोमेटिक बहुत सारे स्पीसीज़ जो है वो ऑटोमेटिक डेथ हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे स्पीसीज़ है, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स।
अगर हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके किसी एरिया को वो नोटिफाई करते हैं एज ए बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन यहाँ पे नोटिफाई करता है और किस तरीके से कोई भी एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है, इसके तहत आप लोग देखो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि वो लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जो है इस कंक्लूजन में निकल कर आते हैं कि ठीक है इस बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जैसा डिक्लेयर कर सकते हैं। और आज के डेट में आप लोग देखो कि हमारे देश में 18 यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें हो गई, चलिए अब देख लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से न्यूज़ में। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के साथ, यहाँ पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग देखें, फिर देवालसरी रीजन के बारे में देखें, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में, एंड देन राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। ओके फाइन, फिर आते हैं यहाँ पे आसाम में, तो आसाम में मानस नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अभी दो आपका जो है न्यू वाइल्ड न्यू यहाँ पे नेशनल पार्क ऐड किया गया, तो आगे अभी हम लोग देखेंगे। फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हम लोग कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोशिया और टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में आप देखो कि नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। गुजरात की बात करूँ तो शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व है। और फिर गोवा की बात करूँ तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केरल की बात करूँ तो वेम्बनाथ लेक है। तमिलनाडु की बात करूँ तो ये अभी आपका देखो कि नया इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व, जो कि श्रीविली पुतूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व है। फाइन, अदर कंजर्वेशन मेजर्स भी हम लोग देख लेते हैं जो भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया की फर्स्ट सेंटर है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का पहला सेंटर जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए है। और ये आपका वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है, अब आपको ये बताना कि किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मैं हिंट देती हूँ कि फेब्रवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, बट डेट आप ही को बतानी है, ठीक है। उसी के बेसिस में उसी दिन यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट लाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लाया गया, तो चेन्नई में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चिपकू मूवमेंट, सो यू ऑल अवेयर फ्रॉम दिस मूवमेंट कि चिपकू मूवमेंट क्या था। तो रिसेंटली रानी विलेज जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ये बर्थ प्लेस है चिपकू मूवमेंट का। तो फिर से यहाँ पे आप देखो कि जो रिसेंट ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है ना, उससे ही इस चीज़ को याद किया गया है। तो चिपकू मूवमेंट क्या था, एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था। इट मीन्स कि वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे, वो पेड़ों को काटने के अगेंस्ट में पेड़ से चिपक गए थे, और वो अपना एक काइंड ऑफ जो आप कह सकते हो कि लव दिखा रहे थे कि, और वो यहाँ पे ट्रीज़ को काटने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो वर्ड निकल कर आया है चिपकू, ये चिपकू निकल कर आया एम्ब्रेस, ठीक है, एक वर्ड है एम्ब्रेस, इससे निकल कर आया। तो जितने भी विलेजर्स थे वो यहाँ पे ट्रीज़ को हग कर लिए, इनसर्किल कर लिए कि वो यहाँ पे इस ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। एक्चुअली चिपकू मूवमेंट इनिशिएट जिसके द्वारा किया गया था वो 1973 में, नाम है सुंदर लाल बाहुगुना। तो ये नाम भी याद रखना है, सुंदर लाल बाहुगुना है जिनके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। साथ ही अगर चिपकू मूवमेंट की बात करें तो ये गांधीयन फिलोसफी जो पीसफुल रेसिस्टेंस है उसी को फॉलो करता है। और ओरिजिनल अगर चिपकू आंदोलन देखें तो ये 18th सेंचुरी में था, इसको स्टार्ट किया गया था बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान के एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स थे, जो कि अमृता देवी के द्वारा इसको लीड किया गया था, और वो अपनी पूरी लाइफ जो है ना इस ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में ही बिता दी। फिर 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, हैदराबाद सिटी है जिसको कि चूज़ किया गया है, वो भी 23 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का। तो ये भी याद रखना है, काफ़ी प्राउड मूवमेंट है ये, सिर्फ ओनली यहाँ पे इंडियन सिटी है जिसको कि इस तरीके का रिकग्निशन मिला है। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2030 तक हमें 17 गोल को पूरी करनी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसमें वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट हुई है 2021। तो सबसे पहले याद रखनी है कि 20th एडिशन है, और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग टेरी कहते हैं, ये फ्लैगशिप इवेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट का, जो कि ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। तो थीम क्या है इस बार सबमिट की, तो ये भी देख लीजिए, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो ये याद रखनी है, इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये यहाँ पे पार्टनर है इस सबमिट के। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग तेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो ये इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफ़ी एक्सपर्टीज़ है रिसर्च पॉलिसी कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन के फील्ड में। एक्चुअली ये ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया गया था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जैसा, जो कि 1974 में,
और इसका मिशन यही है कि हम लोग जो है यहाँ पे सस्टेनेबल फ्यूचर हो। इट मीन्स कि आज के डेट में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, अवेल कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आगे आने वाले फ्यूचर को भी मिले। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडिया के न्यू दिल्ली में, तो इसलिए ये ध्यान रखना है तेरी की। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये है CREA, ये है SEE, इको सिस्टम अकाउंटिंग। सो इको सिस्टम अकाउंटिंग समझिए कि ये वर्ड की मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसमें कि इको सिस्टम से जितने भी मेजर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है और जो सर्विस है वो यहाँ पे सबको मिले। इट मीन्स कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी इको सिस्टम अकाउंटिंग है। इट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट से जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो सारे लोगों को यहाँ पे मिले। इको सिस्टम अकाउंटिंग में आप देखो तो यहाँ पे जो SEE इको सिस्टम अकाउंटिंग यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि एक अकाउंटिंग अप्रोच रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिसमें कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रिसोर्स जो फंक्शन है वो यहाँ पे ब्रॉडर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो SEE आप लोग देख सकते हो, ये एक्चुअली जो भी यहाँ पे इको सिस्टम से जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ना उन सबको मेजर्स किया जाता है। ठीक है, और एक अच्छा खासा जो है सस्टेनेबिलिटी इसको प्रमोट कर सके इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है एक तरीके का। आप समझो कि यहाँ पे सारी रूल्स रेगुलेशन है कि कैसे बायोफिजिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, इको सिस्टम सर्विस को मेजर करना है, साथ ही जो भी चेंजेस हो रही है हमारे इको सिस्टम एसेट में उसको ट्रैक करना है। और यहाँ पे 5 core account है तो इसको आप लोग देख सकते हो, बट दीज आर नॉट बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर योर फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे टर्म की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे वॉट डू यू मीन बाय नेचुरल कैपिटल, या फिर ये आपका 4 statement दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन है या डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे नेचुरल कैपिटल का। तो नेचुरल कैपिटल जैसे कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, वर्ल्ड की स्टॉक है नेचुरल एसेट जिसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, हमारी अर्थ हो गई, सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, एयर है, वाटर है और सारे लिविंग थिंग्स है जिसे हम लोग एक साथ अगर देखें तो इसे हम लोग नेचुरल कैपिटल कह रहे हैं। और नेचुरल कैपिटल जिसमें कि ह्यूमंस जो है, ये आप लोग देखो कि वाइड रेंज ऑफ सर्विस यहाँ से निकल कर आ रही है जिसे हम लोग इको सिस्टम सर्विस कह रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि एयर है अगर हमारे इस पृथ्वी में तो उससे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, अगर वाटर है तो उसे हम लोग जो है जल ही जीवन कहे कि बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दीज आर द नेचुरल एसेट। ओके, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या है? तो यहाँ पे अगेन आप देखो कि ये टूल है जो कि मेज़र करता है। अकाउंटिंग कहने का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप मेज़र करो और फुल एक्सटेंट देखो कि कंट्रीज़ में नेचुरल एसेट कितना है। अगर हम लोग अपने कंट्री में देखें तो एक अच्छा खासा आपको फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलेगा। एयर की अगर हम लोग बात करें तो हाँ पॉल्यूटेड एयर है, वाटर की अगर बात करें ओशन की तो हाँ पॉल्यूटेड वाटर है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अपने नेचुरल एसेट को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जियो थर्मल एनर्जी। तो इंडिया की फर्स्ट एवर जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लेह में यहाँ पे साइन किया गया है, तो ये याद रखिएगा लेह में कुछ काम किया जा रहा है, लेह लद्दाख, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं आज के डेट में। जियो थर्मल एनर्जी से आप समझते क्या हो? एक्चुअली ये थर्मल एनर्जी है जो कि जनरेट किया गया है और हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर इसको स्टोर किया गया है। जियो थर्मल है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मीन्स आप लोग जानते ही हो, और ये एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी जनरेट किया गया है और स्टोर किया गया है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जियो थर्मल पावर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है हीट सोर्सेज से, जो कि आप लोग देखते हो कि अर्थ क्रस्ट यानी कि क्रस्ट जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ है, तो अर्थ क्रस्ट के नीचे आप लोग देखो कि हीट सोर्सेज से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ये जियो थर्मल पावर है। ठीक है, तो ये लोग आप ये इसमें आप देख सकते हो कि ड्राई स्टीम प्लांट होता है, फ्लैश स्टीम प्लांट होता है, बाइनरी साइकिल प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जियो थर्मल जो एनर्जी इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा 350 जियो थर्मल एनर्जी लोकेशन देखा गया है हमारे देश में, और ये कहा जाता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है कि 10,000 MW यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी पावर है हमारे देश में। 7 जियो थर्मल प्रोविंसेस कौन कौन से हैं? तो हिमालय रीजन में आप देखो लद्दाख है, साथ ही यहाँ पे हरियाणा है और राजस्थान, वेस्ट कोस्ट में देखें तो महाराष्ट्र है, कैम्बे है, और जो सोन नर्मदा तापी ये आपका है सोनाता, और साथ ही गोदावरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो महानदी है। तो इस तरीके का 7 रीजन बताया गया है जहाँ पे जियो थर्मल प्रोविंसेस कहा गया है। जियो थर्मल एनर्जी का यूज़ कैसे कैसे हम कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को एक सेकेंड टू हीट एंड कूल डाउन टेम्परेचर इन हाउसेस विंटर और हॉट सीजन में हम लोग जो है घर के लिए कर सकते हैं, फार्म के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही आप लोग देख सकते हो जियो थर्मल प्रोविंसेस बताई जा रही है, तो हिमालय रीजन में आप देखो ये पूगा है, मणिकरम है, फिर यहाँ दिल्ली है, सोहाना है, और कैम्बे है, ये बॉम्बे में वेस्ट कोस्ट में आप देख सकते हो, उन्नाई है,
सोनाटा है यहाँ पे, गोदावरी है, ये महानदी है, हिमालय रीजन में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग, अगेन फिर ये टॉपिक आ गया। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, जैसे दो बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, जिसके तहत ये फिक्स किया गया है कि 2030 तक पेट्रोल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है वो 20% करनी है, और बायोडीजल का डीजल में जो ब्लेंडिंग करनी है वो 5% करनी है 2030 तक, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट माइलस्टोन रखा गया है वो नेक्स्ट ईयर ही है 2022, जिसमें कि ये कहा गया कि एटलीस्ट पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना ही है। और ये जो यहाँ पे आप देखो कि पॉलिसी ये अलाउ करती है कि जो फीड स्टॉक है मोलासेस के अलावा भी, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है मोलासेस, उससे यहाँ पे आपका इथेनॉल मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसमें आपका सुगर केन जूस भी है, जो डैमेज ख़राब हो चुके हैं फूड ग्रेन्स वो भी है, जो आलू वगैरह सड़ जाते हैं वो भी है, कॉर्न है, सरप्लस फूड फूड ग्रेन्स है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। तो पॉलिसी में आपका चार जनरेशन यहाँ पे कैटेगराइज़ किया गया है, तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन अगर बायो इथेनॉल टेक्नोलॉजी देखे तो इसमें फीड स्टॉक को यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ सीरियल्स हो गए, राइस है, वीट है, बार्ले है, कॉर्न है, शुगर केन है, शुगर बीट है, तो इसको यूज़ करेंगे इथेनॉल को जनरेट करने में। साथ ही सेकेंड जनरेशन अगर बायोफ्यूल्स देखे तो ये नॉन फूड क्रॉप से यहाँ पे आपका प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे सेल्यूलोस बायोफ्यूल है, वेस्ट बायोमास है, यानी कि आपका वीट एंड कॉर्न फूड का जो स्टॉक्स होता है। थर्ड जनरेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें जो अल्गी है, ऑयल ऑफ अल्गी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऑयलगी यहाँ पर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन में क्या है कि ये GM ऑर्गेनिजम्स, GMO से यहाँ पे आपका बेस्ट है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सुगर केन है ना, इसमें भी आप देखो कि लिपिड कंटेंट होते हैं, तो इससे यहाँ पे बायो इथेनॉल को प्रोडक्शन करना है। तो ये चारों याद रखना है, पहला क्या है कि फूड है, सेकंड क्या है नॉन फूड है, थर्ड क्या है एल्गी है, एंड फोर्थ क्या है GMO है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये चार जनरेशन के थ्रू जो है बायो इथेनॉल का यहाँ पर जनरेशन करनी है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ आर 2021। तो अर्थ आर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग मार्च 27 को इस बार किए, और इस बार का थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। एक्चुअली ये जो अर्थ आर है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, और इसमें ये कहा जाता है कि एक घंटे के लिए सारे आपके घर में जितने लाइट्स है वो आपको स्विच ऑफ करनी है, और ये एंड ऑफ मार्च में कहा जाता है। तो ये 8:30 से 9:30, याद रहे कि इसका डेट फिक्स नहीं होता है, ये एंड ऑफ मार्च में जो है हमेशा हर साल आपका ये चेंज होता है। तो एक घंटे के लिए यहाँ पे स्विच ऑफ करना होता है लाइट, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बारे में समझते हैं। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो कि नेचर को कंजर्व करना है, और जो बहुत ज़्यादा थ्रेट है हमारे अर्थ में जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, उसको यहाँ पर कम करना है। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे ट्रैफिक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये काम करते हैं, इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। एक रिपोर्ट याद रखिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, फाइन। फिर आते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि यहाँ पर आप लोग देखो कि 2021 ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाए। अर्थ डे जो है इंटरनेशनल इवेंट है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको सेलिब्रेट करते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है। इस बार इसका थीम क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ। अर्थ डे जो है ये फाउंड किया गया है सीनेटर गेरलॉड नेल्सन के द्वारा, जो कि पहली बार इसको 22 अप्रैल 1970 में सेलिब्रेट किया गया था, जिससे कि जो इकोलॉजी है उसको प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी इसको डेजिग्नेट किया गया है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है इसको इस तरीके से डेजिग्नेट किया गया है। ओके, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वाटर डे जो कि 22 मार्च को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत सारी रिवर्स है जिसको कि इंटरलिंक की जा रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट तो आप लोग सुने ही होंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि केन रिवर का जो वाटर है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में, और दोनों रिवर जो है यहाँ पर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, फाइन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिवर लिंक प्लान टू हेल्प बुंदेलखंड, तो इस तरीके से लिंक किया जा रहा है, दो रिवर को आपस में लिंक किया जाता है, और एक रिवर में जिसमें पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है और दूसरी रिवर में जो कि पानी की कैपेसिटी कम है, तो दोनों को लिंक करके जो है इक्वली यहाँ पे पानी की कैपेसिटी को फ्लो करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि अगल बगल के राज्य में पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके। यहाँ पर एक एजेंसी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये 1982 में सेटअप किया गया है एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी के तहत, और ये इनको रजिस्टर किया जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और साथ ही साथ आप देखो 3 कंपोनेंट है जो कि ये मैनेज करते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे देखते हैं, साथ ही रिपोजिट्री भी है, जितने भी बोरोड फंड है और लोन है वो भी बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन से, तो ये सारा इनका काम होता है, ठीक है।
साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपका हिमालयन कंपोनेंट में जो वाटर ट्रांसफ़र लिंक है ये सब प्रपोज़ किए गए, तो एक बार इसमें आप भी नज़र दे लीजिएगा, ठीक है? ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आप लोग देखो कि पहली बार इसको प्रपोज़ किया गया था सर अर्थुर कॉटन के द्वारा, जो कि 1850 में, ठीक है? तो थोड़ा बहुत याद रखना है, इस तरीके का फैक्चुअल भी पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं जल जीवन मिशन अर्बन। देखिए, जल जीवन मिशन अर्बन और रूरल दो तरीके का है, और इस बार यूनियन बजट में इसको लाया गया है। इट मीन्स कि जल जीवन मिशन अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता ही है, तो ये बजट से आपका निकल कर आ जाएगा। इसमें आप लोग देखो कि जो फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 100% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन के लिए 90% है, बाकी 1 लाख से कम के पॉपुलेशन में 50% है, ठीक है? और 25% है जिसमें कि 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है जल जीवन मिशन का? तो सबसे पहला है कि यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई करना है, सारे हाउस होल्ड में जो है यहाँ पे पानी की व्यवस्था पूरी करनी है, और ये भी 2024 तक, तो ये टारगेट याद रखिएगा। और इससे क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है वो यहाँ पे पूरा करना है। उसके बाद सिक्योर करना है जो टैप और सेवर कनेक्शन है, हर घर में यहाँ पे टैप कनेक्शन प्रोवाइड करनी है, साथ ही जो वाटर बॉडीज़ है उसको रिजुवनेट करना है, ग्रीन स्पेस बनानी है, स्पॉन्ज सिटीज़ बनानी है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे एक्वीफायर मैनेजमेंट प्लान होगा कि पानी को बेटर तरीके से यहाँ पे प्लान मैनेज कर सके। फिर जल जीवन मिशन अर्बन है जिसमें कि आपका सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि जो सिटी वाटर बैलेंस प्लान है उसको डेवलप करके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो एक रूरल भी है जो कि 2019 में लाया गया था, उसी को देखते हुए 2021 में जो है ये अर्बन भी लाया गया है। तो रूरल आपको देखने को मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के अंदर आता है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत। इसका यहाँ पे एम है कि 55 लीटर ऑफ जो वाटर है उसको सप्लाई करना है पर पर्सन पर डे, हर एक जो गांव के घर है, हर घर नल नल से जल, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरा करना है। और इसमें भी आपका टारगेट 2024 ही है, तो दोनों का टारगेट आपका 2024 है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फिर जल शक्ति अभियान है यानी कि कैच द रेन कंपेन्स, यानी कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात किया जा रहा है। ये जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब भी यहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ भी बारिश हो रही है, आपको उस रेन को जो है स्टोर करके रखना है, ये आपका कंपेन चलाया जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप समझिए कि ये क्या है। एक्चुअली जितनी भी रेन वाटर होती है, यानी कि अभी जैसे बारिश हो रही है तो उसकी जितनी भी पानी है उसको आप लोग स्टोर करके रखो और उसको यूज़ करो, यानी कि जैसे पानी बहते जाता है वो बहने मत दो, उसको स्टोर करो, फिर उसको यूज़ करो, बहुत तरीके का यूज़ आप कर सकते हो, तो इसलिए ये किया जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये एक तरीके का मेथड है जिसमें कि छत पे ही इस तरीके का इक्विपमेंट बना देना चाहिए, बड़े बड़े जो गैलन है वो रख देना चाहिए, जिससे कि वर्षा के पानी से वो आपका भर जाए, फिर बाद में आप उसको यूज़ कर सको, ठीक है? ये आप देख सकते हो इकोलॉजिकल रीजन है और ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। एक्चुअली इस तरीके का रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये आज कुछ नया नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता था, और हर एक जगह पे इसका अलग अलग नाम है। तो इस तरीके से आप लोग इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देखिए, जिससे कि थोड़ा बहुत ध्यान रहे। ओके, फिर आते हैं सस्टेनेबल फूड सिस्टम में। तो इंडिया जो है उस यहाँ पर आप देखो कि पहला नेशनल डायलॉग ऑन एग्री फूड सिस्टम हुआ है दिल्ली में, तो इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया है थोड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन एम है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस गोल को अचीव करना। यहाँ पे आप लोग देखो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है सस्टेनेबल फूड सिस्टम को लेकर, तो यहाँ पे FAO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम है, ये 2011 में ही स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया की इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसका एम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान देना, जिससे कि जो हमारी फसल है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, सस्टेनेबल हो, रिन्यूमरेटिव हो, तो ये आपका ये सारे अंदर आता है। साथ ही यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, मेनली यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका एम है यहाँ पे कि कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो सोलर आउटसाइंस विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिसेंटली आप देखो कि ये जो PLI स्कीम है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी ब्रेकअप आप देख सकते हो कि सोलर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन हुआ है सोलर एनर्जी का, ये आपका 38,794 मेगावाट है। फिर विंड का आप देख सकते हो थोड़ा सा इससे कम है। फिर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके बाद बायोमास है एंड देन यहाँ पे स्मॉल हाइड्रो है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है।
देखिए हम लोग जो है ना सोलर सेल को लेकर और मॉड्यूल्स को लेकर चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंस रहते हैं, और 80% हमारा जो है सोलर सेल और मॉड्यूल का डिमांड चाइना ही पूरा करता है। नेक्स्ट यहाँ पे सोलर गीगावाट क्लब है। एक्चुअली 9 अफ्रीकन नेशंस एक साथ मिलकर आए हैं और गीगावाट क्लब जो है वो यहाँ पे लेकर आए, गीगावाट क्लब जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है, इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तेलंगाना के रामगुंडम जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि 100 मेगावाट का ये कैपेसिटी है और ये आपका फ्लोटिंग इस तरीके का सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इसको कमीशन किया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सोलर पावर है, इट मीन्स कि 600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ, इसको ओमकारेश्वर डैम जो नर्मदा रिवर में है मध्य प्रदेश में, उसमें ये इसको जो है लाया गया है। तो ये देखिए छोटी छोटी न्यूज़ हो जाती है जो कि काफ़ी है। ये इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग कहाँ है, तो तेलंगाना में है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट राजस्थान में है, तो ये आप देख सकते हो कि राजस्थान की जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा ये कहा गया है कि कंट्री का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि पीएम कुसुम स्कीम के तहत यहाँ पर लाया गया है। अब ये पीएम कुसुम क्या है, तो यह है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जो कि सोलर पंप और ग्रिड जो भी कनेक्टेड है सोलर से और अदर रिन्यूएबल जो प्लांट पावर प्लांट है फार्मर्स के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऐड किया गया है सोलर और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी जो कि 2022 तक 25,750 मेगावाट तक यहाँ पर लेकर आना है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, देखिए तीनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसको गोबर धन स्कीम कहा गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक यूनिफाइड पोर्टल लाया गया है जो कि है गोबर्धन स्कीम के तहत। तो गोबर्धन स्कीम क्या है, ये इंप्लीमेंट किया गया है स्वच्छ भारत मिशन जो आपका ग्रामीण वाला एरिया है उसके तहत इसको लाया गया है, और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जैसे कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रैटेजी है उसको अचीव करना, यानी कि खुले में जो शौच किया जाता है उस चीज़ों को यहाँ पर कम करने के लिए, बंद करने के लिए गोबर्धन स्कीम लाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही आप देखो E3 सर्टिफिकेशन है, एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइजेस सर्टिफिकेशन है यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये भी याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको लाया गया है। फिर है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन जीरो नेट, सॉरी नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है ना, इट मीन्स कि कार्बन इमिशन को कम करना है। ये कंट्री की इमिशन होती है जो कि कंपेंसेट किया जाता है कि या तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करे या तो एब्जॉर्ब करे एटमोसफियर से, तो नेट ज़ीरो लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर है दिवाली प्लेटफॉर्म। एक्चुअली दिवाली प्लेटफॉर्म है क्या, तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंडिया और नीदरलैंड जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे वाटर रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये याद रखना है। फिर है कार्बन वॉच, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है पहला राज्य बन गया है और यूनियन टेरिटरी भी है इंडिया का जो कि कार्बन वॉच लॉन्च किया है। तो कार्बन वॉच है क्या, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है उसके द्वारा अगर कार्बन इमिट किया जा रहा है तो उसको एक्सेस किया जाएगा। तो काफ़ी स्मार्ट ये अप्रोच है, इसको देखिए आप। उसके बाद है भारतीय प्रशिक्षित कृषि पद्धति, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है, सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, जिसमें कि हम लोग ये कहे कि नेचुरल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। नेचुरल फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैन्यूर वगैरह यूज़ करते हैं जैसे कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट काउडंग मैन्यूर, ये हो गया। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि ना केमिकल और ना ही ऑर्गेनिक फार्मर्स का फर्टिलाइजर्स का को ऐड करना है सॉइल में, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, तो इसको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और मैन्योर यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में तो ये दोनों कहीं से भी यूज़ नहीं करना है। फिर है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सीड करना है, इट मीन्स कि आप जानते हो कि राइस के लिए क्या होता है कि पहले एक नर्सरी में उसकी बीज डाली जाती है, वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तब उसको वहाँ से उठाकर मेन फील्ड में उसको बोया जाता है, तो ये काम नहीं करना है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट सीडिंग है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे आपका सीधे मेन फील्ड है वहीं पे आपका ये बोया जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और सिस्टम है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये मेथडोलॉजी है जिसमें कि जो इरिगेटेड राइस है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और इसमें क्या करेंगे कि जो प्लांट सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट है उसकी मैनेजमेंट को यहाँ पे देखा जाएगा, बेटर तरीके से मैनेज किया जाएगा, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो ये इसके लिए आपको अलग वीडियो मिलेंगे ज्योग्राफी का, जो कि पूरे 6 महीने का रिविज़न होगा। कुछ रिपोर्ट्स है, ये आप लोग देख लो, कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ो तो उसमें 3 चीज़ ज़रूर पढ़ो कि वो रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है और उसके इंडिकेटर्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है।
ये है ग्लोबल फॉरेस्ट कोल रिपोर्ट 2021। एक्चुअली ये रिपोर्ट आपका रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोलर अफेयर सोशल अफेयर्स है उनके द्वारा। ठीक है, की फाइंडिंग में बताया गया कि 18% जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिजिग्नेट किया गया था 2000 में। 40% जो वर्ल्ड की रिन्यूएबल एनर्जी है वो फॉरेस्ट से ही आती है। 40% जो एक्सट्रीम पुअर है ग्रामीण एरिया में वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 है, ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट का क्या यहाँ पे पोजीशन है। पास 6 ईयर में कहा जा रहा है कि 2020 को इंक्लूड करके 6 वार्मेस्ट ईयर यहाँ पे ये ऑन रिकॉर्ड है। टेम्परेचर आप देखो 38 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिला रशिया में, जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता था। फिर है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट, ये आपका पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट, यानी कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देखा जाता है, 3 यहाँ पे प्लानिटरी क्राइसिस देखने को मिला। एक तो है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, इन सबको यहाँ पे देखा जाता है। और मैरीन प्लास्टिक जो है ये कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज़ हुआ है, 10-फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है। 10% जो वर्ल्ड की फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो चुकी है। वेटलैंड जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया है, डिग्रेडेड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चला है। वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लाया गया है। और ये बताया गया है कि 1/3 ऑफ ऑल द जो फ्रेश वाटर फिशेज़ है वो थ्रेटेंड है। और इसमें आप देखो कि 2.5 से 6% तक जो ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो यहाँ पे इंक्लूड है। द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपका इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इस आउटलुक में ये बताया गया कि इंडिया के द्वारा क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। इसमें आप लोग देखो कि इंडिया की एनर्जी के बारे में डिटेल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज़ है, और हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो 2000 से डबल हो चुकी है। 80% जो हमारा एनर्जी डिमांड है वो कोल, ऑयल और सॉलिड बायोगैस से पूरा होता है। और ये बताया जा रहा है कि अगले 20 साल में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंक्रीज़ होगा, यानी कि एनर्जी डिमांड हमारी आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। फिर है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ये भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इनके द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो 4.6% से बढ़ा है इस बार। और चाइना में आप देखो कि 50% ग्लोबल का ग्रोथ जो है अकेले एनर्जी सेक्टर में चाइना का ही है। और उसके अलावा बताएं तो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है, ये 2nd लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज़ एवर है, यानी कि दूसरी साल है जिसमें कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की इंक्रीज़ जो है वो देखते आ रहे हैं। फिर है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सामने आ जा रही है। यहाँ पे बताया गया है इंडिया में आप देखो कि क्या फाइंडिंग है, कि हमारा जो है 30% यहाँ पे माना जा रहा है कि न्यू व्हीकल सेल्स होगा इंडिया में, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा 2030 तक। तो ये हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए फेम 2 पॉलिसी भी लाया गया है। BS6 भी यहाँ पे आपका लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, BS6 व्हीकल्स जो है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। फिर है फॉस्चरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट, ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया गया है। इंडिया का रैंक कितना है, तो 87 है 115 कंट्रीज़ में। और ग्लोबल जो हमारे यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन है वो स्कोर अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। इंडिया और चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग 3rd ग्लोबल एनर्जी डिमांड है पूरी तरीके से। साथ ही हम लोग देखें यहाँ पे तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देखिए भोजन का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इस चीज़ को देखा जा रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो आई थिंक कि ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 17% जो टोटल फूड अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए 2019 में, तो वो वेस्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जितना हम लोग खाते नहीं उतना ज़्यादा बर्बाद करते हैं, तो इतना फूड हमारे यहाँ बर्बाद भी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए आइए, रिविज़न हो जाएगा मैप के थ्रू प्लेसेस क्या क्या न्यूज़ में है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया में, जो कि आपको यहाँ पे जबरवान रेंज में देखने को मिलेगा कश्मीर वैली में। उसके बाद यहाँ पे रिवर तावी है, रिवर तावी मूवमेंट है, लोकल्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो रिवर तावी है उसको क्लीन करें। और कैलाश कुंड जो ग्लेशियर है यहाँ से आपका रिवर तावी जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेघालय की बात करूँ तो सिवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गारो हिल्स में चल रही है, और जो यहाँ पे आप देखो कि उमन गॉट रिवर है ना उसके ऊपर डैम बनाया जा रहा है, लेकिन मेघालय के लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या है कि ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे टूट चुका है चामोली डिस्ट्रिक्ट में, और ये सुमन्ना एरा ऑफ नीति वैली में। यूपी में क्या हुआ है तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोर रखा गया है डेवलपमेंट वर्क, जो कि चितौरा लेक में है। तो चितौरा लेक कहाँ है, तो ये यूपी में।
राजस्थान में क्या है तो लूनी रिवर याद रखिएगा, कर्नाटक और गोवा में क्या है तो ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, किस रिवर को लेके तो मांडोवी रिवर को लेके। ये छोटी सी न्यूज़ है इराटा, तो इराटा आप लोग देखो कि ये बताया गया है कि PT365 इन्वायरमेंट में आप लोग इसको देख लो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है, पहले उस समय रॉन्ग हो गया। देखिए विजन आईएस मैगजीन में भी बहुत सारे मिसप्रिंट हो जाते हैं तो उसको ये लोग बाद में करेक्ट कर देते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ है ये चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आप PT365 इन्वायरमेंट जो 2020-2021 का है उसमें आप लोग देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है, इन्होंने गलत कर दिया आप गलत करके मत आना। तो यहाँ पे हमारा ये जो मैगजीन है इसमें इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट हम लोग मैगजीन्स के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हे गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे PT365 जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकेंड है यहाँ पे, जिसमें हम लोग मई और जून मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी रिवीजन चल रही है हमारी क्योंकि मई और जून मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और उसी की मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले इन्वायरमेंट की लेसन, तो इन्वायरमेंट में देख लीजिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो चलिए मैं एक वीडियो में ही इसे कंप्लीट कराने का कोशिश करती हूँ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ जो कि है विजन आइस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अभी भी आपकी ऑन है, तो अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट में भी अगर यहाँ पे सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 20 डेज़ में 20 टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी रिविज़न भी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग को मेल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज और ये टिपिंग पॉइंट्स क्या होता है क्लाइमेट चेंज में। तो टिपिंग पॉइंट्स एक्चुअली वैसे ही एरिया को कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसकी जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का। तो कहा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 9 टिपिंग पॉइंट ऐसी कलेक्ट हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखो कि क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम हुई है। तो आइए देख लेते हैं कि 9 टिपिंग पॉइंट क्या है, और ये वो एरिया है जो हमेशा आप देखो न्यूज़ में था पिछले लास्ट 1 से 1.5 साल में। तो सबसे पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फ्रीक्वेंट ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है। सेकेंड है आर्कटिक सी आइस है, यहाँ पे आपको मैसिव लॉसेस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसके कारण यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ पे इश्यूज है। साथ ही साथ आप देखो कि सी लेवल राइज भी हो रही है। थर्ड है अटलांटिक सर्कुलेशन, तो अटलांटिक सर्कुलेशन जो कि आप देखो यहाँ पे काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है सिंस 1950 से। फिफ्थ है यहाँ पे कोरल रीफ, कोरल रीफ की अगर हम लोग बात करें तो कि बहुत मास नंबर पे मरते हुए दिख रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग इसे कहते हैं जब कोरल रीफ यहाँ पे डेड हो जाते हैं, तो कोरल ब्लीचिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। सेवन है परमा फ्रॉस्ट, परमा फ्रॉस्ट ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे 2 साल एटलीस्ट जो है वो एरिया बिल्कुल फ्रोजन रहा हो, पूरा बर्फ़ से ढका हो, लेकिन वहाँ पे भी आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि मेल्टिंग हो रही है, वो बर्फ़ पिघल रहे और जिसके कारण थॉइंग लाइक कंडीशन हो रही है। सिक्स है यहाँ पे ग्रीनलैंड आइस शीट, जो कि यहाँ पे आप देखो कि ग्रीनलैंड में बहुत बड़े बड़े आइस शीट्स होते हैं, बर्फ़ की यहाँ पे आपको शीट्स देखने को मिलती है वो भी लॉस हो रही है। साथ ही अगर 8 देखें तो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अंटार्कटिक वाले रीजन में वेस्ट अंटार्कटिक में जो बहुत बड़ा आइस शीट्स है वो भी आज के डेट में टूट चुका है। और उसके बाद 9 देखें तो विल्किंस बसिन है जो कि ईस्ट अंटार्कटिक आइस लॉस ये बता रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वेस्ट अंटार्कटिक हो या फिर ईस्ट अंटार्कटिक हो या फिर हमारा नॉर्थ साइकिल नॉर्थ में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, तो ये सब जगह जो है आइस बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द 9 टिपिंग पॉइंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टैम्प है, एक स्टैम्प आप लोग जानते हो कि ऐसे ठप्पा लगाया जाता है, सो दिस स्टैम्प जो है ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, और ये फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प है जो कि मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे, और बेसिकली एम यहाँ पे है कि कार्बन इमिशंस को कम करना है। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे क्रेडिट इन स्टैम्प है ना, ये कंपनीज को परमिट किया जाएगा कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिट करे। अगर वो इस अकॉर्डिंग काम करते हैं और जितना उनको परमिट किया गया है उतने ही वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं तो उनको क्रेडिट भी दिया जाएगा। इट मीन्स कि क्रेडिट जो है वो कोलैटरल होगा बैंक क्रेडिट या फिर लोन लेने के लिए। तो ये बहुत नेक्स्ट यहाँ पे है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम। तो RBI के द्वारा आप देखो कि सेंट्रल बैंक को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है सुपरवाइजर नेटवर्क,
जो कि ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है एज अ मेंबर. ओके, तो इसलिए आरबीआई इसको ज्वाइन की है, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है क्या. एक्चुअली देखिए, ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, जितने भी देशों के सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे आरबीआई है और सुपरवाइज़र होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और बातें करते हैं, और साथ ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है किस तरीके से इन्वायरमेंट को डेवलप कर सके, क्लाइमेट रिस्क जो मैनेजमेंट है फिनेंशियल सेक्टर में उसको कैसे मैनेज कर सके, ये सब यहाँ पे बातें होती है. ये सिस्टम एक्चुअली जो पेरिस वन प्लानट समिट दिसंबर 2017 है, तब से ये लाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है. लीफ कोएलिशन है, लीफ कोएलिशन ये आपका लॉन्च किया गया है कुछ इनिशियल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे नॉर्वे, यूके, यूएस है, और कुछ लीडिंग कंपनीज़ भी है जैसे कि अमेज़न और नेस्ले हैं. तो ये क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो फाइनेंस है, फाइनेंस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में. तो लीफ से ही आप याद रख सकते हो, एक्चुअली लीफ का यहाँ पे फुल फॉर्म है लोअरिंग इमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस. तो यहाँ पे आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा जंगलों में आग लग रही है, डिफॉरेस्टेशन का भी देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो रही है. तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर टैकल करने के लिए और जो इमीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पर लीफ कोएलिशन लाया गया है. तो लीफ से याद रखना है कि पत्ता, और पत्ते से याद रखना है कि कुछ, हाँ चलो पेड़ पौधे के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, कुछ इनिशिएटिव मेजर्स है जो कि पॉल्यूशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए लाया गया, तो ये देख लीजिए. अभी न्यू न्यू आपको याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट है. तो ये मैंडेट एक्चुअली 2007 में ही लाया गया था, जिसमें कि बिजनेस लीडर्स जो है वो यहाँ पे जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सैनिटेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे 2017-30 तक इसे अचीव करना है, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है. और ये यूनाइटेड नेशन के पार्टनरशिप के साथ है, कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज़ होती है, और कुछ यहाँ पे अदर्स भी होते हैं, तो ये सब मिलकर ऐसा काम करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है. साथ ही नेक्स्ट है यहाँ पे एम ICDA के वाटर इनोवेशन चैलेंज. तो ये एम क्या है, ये है अटल इनोवेशन मिशन. अटल इनोवेशन मिशन जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा ये आपका लाया गया मिशन है, जो कि यहाँ पे इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, और जो ग्लोबल फाइनल है नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन का उसको कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि वाटर इनोवेशन चैलेंज के फील्ड में यहाँ पे कुछ नया लेकर आए कि किस तरीके से जो वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल है उसको यहाँ पे मैनेज करना है. डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन लाया गया है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप देखो कि सिटी वाटर सप्लाई में लीकेज है तो लीकेज वगैरह को रोकना है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे करनी है दोनों एरिया में, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, सेफ़ और सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात की गई है. तो ये सारा इनोवेशन चैलेंज जो है इस बार देखने को मिला है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग, कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, दो कॉन्सेप्ट अब आपको याद रखना है. पहले क्या था कि नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी आया था 2018 में, इसके तहत ये कहा गया था कि 20% जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल का वो पेट्रोल में की जाएगी, और 5% जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल का वो बायोडीजल का डीजल में किया जाएगा, और ये टारगेट रखा जा गया था 2030 तक, सेम टारगेट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है. बट अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और उनका कहना है कि नहीं 2030 तक नहीं, 2025 तक क्या करेंगे, तो जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 20% का, उस चीज़ का टारगेट यहाँ पर एडवांस कर दिया गया है. साथ ही जो बायोडीजल का डीजल में करना है वो तो 5% आपका 2030 तक है, बट अभी यहाँ पे पेट्रोल में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 20% का, वो यहाँ पे आपका 2025 तक हो गया है. तो इसलिए ये दोनों याद रखना है, अगर अकॉर्डिंग टू द दिस पॉलिसी पूछा जाए तो यहाँ पे आपका टारगेट 2030 है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग 2025 हो जाएगा. ओके, और इसी को हम लोग E20 रूल्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है. E20 यहाँ पे आपका E20 रखा गया है, जिससे कि यहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है. उसके बाद है इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये FFV जो व्हीकल है ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल होगा, जो कि दोनों में, गैसोलीन में भी और जो डोप्ड पेट्रोल होते हैं ना, इन दोनों के साथ यहाँ पे आपका रन कर सकता है, और डिफरेंट लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ. तो ये करेंटली आप देखो कि काफ़ी देशों में यूज़ किया जाता है, इसमें से वन ऑफ द सक्सेस यहाँ पे हुआ है ये है ब्राज़ील, जिसमें लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि वो फ्यूल को अपना स्विच कर सकते हैं गैसोलीन और इथेनॉल में. तो गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि क्यों ना इस तरीके का फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है वो हमारे देश में भी आए अक्टूबर तक. तो इस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर और जो फ्लेक्स इंजन है व्हीकल में, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए और इसकी मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हम लोग भी अपने देश में लेकर आ सके. नेक्स्ट आते हैं अब बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़रूर रहता है.
अभी महशीर काफ़ी न्यूज़ में है और महशीर से लास्ट ईयर भी आप देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लू फाइंड महशीर जो है जो कि इंटरनेशनल IUCN के रेड लिस्ट में आप देखो तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था लेकिन अब इसको लिस्ट कंसर्न के स्टेटस में लाया गया है। तो दो तीन स्पेसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वैसे स्पेसीज़ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुके हैं और एक वैसे स्पेसीज़ जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से आपके जा चुके हैं। तो इसलिए ये महशीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था इसलिए यहाँ पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है तो इट मे बी पॉसिबल कि फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। महशीर के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक देखिए, माही इट मीन्स कि फ़िश है और शीर मीन्स टाइगर होता है, फ़िश टाइगर ये कुछ ऐसी है, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है। इनको हम लोग टाइगर अमंग फिश कहते हैं यानी कि मछलियों का ये टाइगर है और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। जहाँ पे भी आपको महशीर देखने को मिलेगा उस जगह आप समझ सकते हो कि वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। 47 सब स्पीसीज़ ऑफ महशीर है जिसमें कि इंडिया में 15 ये पाए जाते हैं और दूसरे दूसरे साउथ एशिया के कंट्रीज़ में बाकी पाए जाते हैं। महशीर जो है वो प्रिफर करते हैं क्लीन फास्ट फ्लोइंग और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी कि बढ़िया से ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हो और फास्ट फ्लोइंग वाटर हो और एकदम क्लीन वाटर हो। ये ओमनी वॉर्स है, ठीक है, तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। हर्बी वॉर्स जो कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ये ओमनी वॉर्स है, इट मीन्स कि ये आपका जो है नॉन वेज भी खाते हैं। थ्रेट आज के डेट में इनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन लेवल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है, काफ़ी सेंसिटिव हो रहा है। वाटर टेम्परेचर और सडन क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रही है, ओशन में पॉल्यूशन है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, ओवर फिशिंग हो रही है, काफ़ी डैम्स की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत देखें तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके के फ़िश के लिए कोई भी ये अटेंशन ड्रॉ नहीं करते और वाइल्ड एनिमल के डेफिनेशन में, तो आप लोग जानते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फ़िश को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के आपको महशीर देखने को मिलेंगे, बट 14 टाइप्स जो हमारे देश में पाए जाते हैं, बट आपको सारे 14 नहीं पढ़ने हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले गोल्डन महशीर देखते हैं, तो गोल्डन महशीर हमारा हिमालय रीजन में पाया जाता है और इसके IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। फिर है ब्लूफिन डेकन महशीर जो कि यहाँ पे डेकन प्लेटू में और साउथ इंडिया में पाया जाता है। फिर है रेड फाइंड महशीर जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। फिर है चॉकलेट महशीर, चॉकलेट महशीर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। एंड ऑरेंज फिन या फिर हमबैक महशीर जो कि आपका कावेरी रीजन में है, कावेरी रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज में, और इसकी भी IUCN जो रेड लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हमबैक जो मशीर है इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। अब पूरे भारत में आप लोग देखो कि नॉर्थ में क्या है तो गोल्डन है, साउथ में क्या है तो ब्लूफिन है यानी कि डेकन है, सेंट्रल में क्या है तो रेड है यहाँ पे, ठीक है, रेड फाइन मशीन है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर चॉकलेट मशीर है, और कावेरी की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑरेंज फाइन या फिर हमबैक मशीर है। प्रोजेक्ट मशीर चलाई जा रही है जैसे कि प्रोजेक्ट गोदावन आप देखते हो, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को सेव करने के लिए, जैसे कि आपका टाइगर सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है, लेपर्ड सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे मशीर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट है। इसको 1971 में स्टार्ट किया गया था और जो एफर्ट्स लाया गया था वो टाटा पावर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के साथ मिलकर लाया गया था। 5 लाख मशीर्स जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोनावाला में ही है, इट मीन्स कि महाराष्ट्र वाले रीजन में आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया था जिसमें कि इस तरीके के मशीर को रखा जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनली आप देखो कि अच्छा खासा काम कर रहा है 50 ईयर्स से इसमें देने के बाद, तो चलिए अच्छा है कि यहाँ पे मशीर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया, इसको कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा दिया गया, जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से ये लिस्ट कंसर्न में आ चुका है, तो ये याद रखना है। कुछ और फ्लोरा फौना देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं। देखिए इस स्पीसीज़ के नाम जो होते हैं वो बहुत अटपटे होते हैं, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप सारे स्पीसीज़ के नाम रट के रखो, बट हाँ ये है। मिलियन ईयर्स अगो ये रहते थे और ये लार्जेस्ट प्रीडेटर है हमारे इकोसिस्टम में। ऑब्वियस है आपने डायनासोर सीरीज़ देखा होगा, तो वह हमारे अर्थ का जो है सबसे लार्जेस्ट प्रीडेटर कहा जाता है। ये कुछ स्पीसीज़ है जो कि अननोन है और इनका नाम ये है शुभ नाम, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग तेलुगु में देखें तो यहाँ पर भारी जो है ना, भारी मीन्स ह्यूज होता है, ह्यूज टाला मीन्स यहाँ पर हेड होता है, बड़ा हेड, और शुशुस मीन्स जो है इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड जो DT होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है होलोक गिबॉन, तो होलोक गिबॉन यहाँ पे क्यों न्यूज़ में है कि इंडिया में आप देखो होलोक गिबॉन कहाँ है, तो वेस्टर्न होलोक गिबॉन आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न रीजन में ये पाया जाता है।
साथ ही ईस्टर्न जो होलोग गिबॉन है ये आपका नहीं पाया जाता है इंडिया में, तो इसलिए भी ये याद रखना है, काफ़ी ट्रिकी हो गया कि वेस्टर्न जो है होलोग गिबॉन पाया जाता है, ईस्टर्न नहीं पाया जाता। होलोग गिबॉन जो है एक स्मॉल यहाँ पे ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे जो बंदर के प्रजाति होते हैं, और सिर्फ ये ओनली ऐप है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। और किस किस जगह पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में है। इट मीन्स कि देखिए बहुत ही ट्रिकी है, नाम में है ये वेस्टर्न होलोग गिबॉन, बट ये वेस्टर्न रीजन में नहीं है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है। मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए बोली कि वेस्ट में पाया जाता है क्योंकि अब आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे कुछ अगर आप लोग मिस्टेक कर जाते हो ना तो उससे क्या होता है ना कि ये चीज़ें जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद आएगा कि अच्छा मैंने ऐसा कहा था, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है। तो वेस्टर्न में नहीं पाए जाते, ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं और इसका IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड है। ब्लैक बक की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो ब्लैक बक है ये लास्ट 6 ईयर में इसकी पॉपुलेशन डबल हो गई है। आज के डेट में अगर ब्लैक बक की बात करें तो ये जो है सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ अदर एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक बैक जो है ना वो फास्टेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में, जैसे चीता है, चीता के बाद आपको ब्लैक बक देखने को मिलते हैं जो कि बहुत फास्ट ये रन करते हैं। और ये स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का, तो 3 राज्य ऐसे हैं जिसका ये ब्लैक बक स्टेट एनिमल भी है, तो इसलिए याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो लिस्ट कंसर्न है। ओके, फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्योखैंथ यहाँ पे फिश है, तो ये जो आपका क्योखैंथ जो है वो एक्सट्रीमली रेयर डीप सी स्पीसीज ऑफ फिश है जो कि ये जिंदा पाया गया है इंडियन ओशन में। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया है, इंडियन ओशन की है, तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के आपको स्पीसीज देखने को मिलेगा, एक है जो कि कोमोरोस आइलैंड में है, वो आपका अफ्रीका कोस्ट में देखने को मिलेगा, और दूसरा है जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में पास देखने को मिलेगा। इसके IUCN जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए प्रोटेक्टेड एरिया जो भी न्यूज़ में रहे उसे हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2020 का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो नेशनल पार्क से रिलेटेड आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो UPSC में प्रीलिम्स में आपका इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि IFS भी है, इंडियन फॉरेन सर्विस की भी एग्ज़ाम होती है और प्रीलिम्स दोनों का एक ही साथ होता है, इसलिए ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए ये आंध्र प्रदेश की एक यहाँ पे बर्ड सेंचुरी जो कि काफ़ी न्यूज़ में थी, अटापाका बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ लोकेटेड है, तो सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कोलेरू लेक है यहाँ पे है, उसके बाद आपका कृष्णा वेस्ट गोदावरी है, और कोलेरू लेक जो कि आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे देश का, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसलिए अटापाका जो आपका बर्ड सेंचुरी है, 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में है, सेकेंड यहाँ पर आपका कोलेरू लेक में है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और थर्ड है कि कृष्णा वेस्ट गोदावरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आसाम में, क्योंकि आसाम का देखिए ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की जो 5 नेशनल पार्क है उसके अलावा 2 नेशनल पार्क और ऐड कर दिया गया, तो टोटल 7 हो गए, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स याद कराऊंगी मैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा दिहिंग पटकाई को 7th नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और 6th नेशनल पार्क कौन सा था, तो यहाँ पर रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको कि 6th नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया जाता है किसी भी जगह में वो किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, तो देखिए कोई भी कर सकता है, यहाँ पे दोनों के पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ये दोनों मिलके भी, और दोनों में से जो है आप देखो कि ये दोनों यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क, और किस कानून के तहत ये अधिकार इनको दिया गया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हर एक पॉइंट को इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के याद करना होगा क्योंकि कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ये हो गए, अब और भी बातें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपका दिहिंग पटकाई है इसमें गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेबर्ट और साथ ही इंडियन गौर देखने को मिलेगा। 5 अदर जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा, वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, ओरांग और दिब्रू सिखोवा। ठीक है, इसमें से काजीरंगा और जो मानस है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों टाइगर रिजर्व्स भी है, और इसी के साथ साथ नामेरी और ओरांग भी टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके अलावा असम की बात करें तो असम अब 3rd नंबर पे आ चुका है जिसमें कि हाईएस्ट नेशनल पार्क है। सबसे 1st नंबर पे कौन सी स्टेट है, तो मध्य प्रदेश है जिसमें कि आपको 12 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। 2nd में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जिसमें कि 9 नेशनल पार्क है, और 3rd में आपका असम आ गया है जिसमें कि 7 नेशनल पार्क है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए मैप में
क्या पता आपको अरेंज करने के लिए आ जाए कि आपका ईस्ट टू वेस्ट या फिर आप लोग जो है ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो है ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा और ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करने के लिए कह दिया जाए। तो सबसे आपका ईस्ट वेस्ट में आप देखोगे तो राइमोना है जो कि सिक्स नेशनल पार्क है, मानस है, एंड देन यहाँ पे ओरांग, नामेरी, एंड देन काजीरंगा और फिर देहिंग पटकाई और दिब्रू सिखोवा। तो अगर असम में ये पूछा जाए आपसे कि सबसे वेस्टर्न साइड और सबसे ईस्टर्न साइड में कौन से नेशनल पार्क है, तो सबसे वेस्टर्न साइड में आपका राइमोना है जो कि अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है सिक्स नेशनल पार्क, और सबसे ईस्ट में आप देखो तो दिब्रू सिखोवा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ये है RMONKDD है। ठीक है, तो दिब्रू सिखोवा याद रखिएगा वो सबसे ईस्ट में है और उसके पहले आपका देहिंग पटकाई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना कुछ भी आर मॉन मॉन्क करके मॉन्क डीडी आर मॉन्क डीडी करके याद रखिएगा, तो ये आपका सीरीज़ याद होगा कि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार आइए और फिर देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है जो कि सेवन्थ नेशनल पार्क है, इससे पहले राइमोना नेशनल पार्क सिक्स है, इसके अलावा कौन कौन है, तो इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और दिब्रू सिखोवा है। काजीरंगा मानस की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है और टाइगर रिजर्व्स भी है, इसी के साथ नामेरी और औरंग भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स है। और उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे डिक्लेयर जो कर सकते हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर करते हैं किसी एरिया को एज ए नेशनल पार्क, वो भी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे गुजरात। गुजरात में बानी ग्रासलैंड रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये गुजरात वाला एरिया है। गुजरात में आप यहाँ पे देखो कि बानी एरिया है जो कि लैंडलॉक्ड एरिया है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, और बानी रीजन जो है ना ये आपका जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स उसके कारण ये आपका इस तरीके का रीजन बना है। यहाँ पे कौन से ट्राइब रहते हैं, तो मलधारी ट्राइब रहते हैं इस एरिया में, तो इसको भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है जो कि कितने नंबर की है, तो 12 नेशनल पार्क यहाँ पे। सेकेंड नंबर पर आपका आ जाता है कौन सा, तो वो आ जाता है बताइए अंडमान एंड निकोबार, टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो 9, और आसाम में कितने हो गए, 7। ठीक है, तो ये टॉप 3 याद रखनी है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे कूनो पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अगेन अपने ही काम से ये काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि पहली बार ऐसा वर्ल्ड में हुआ है कि लार्ज कार्निवोर जो है उसको रीलोकेट किया गया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, और ये जो आपका कूनो पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी का आपको पार्ट देखने को मिलेगा जो कि सुटेबल लोकेशंस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रहने का जगह है, प्रे अबेंडेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 8 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये आपका चीता को लाया गया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, इट मीन्स कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडियन कॉन्टिनेंट में इसको रीलोकेट किया गया है, क्योंकि जैसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनको रहने का जगह सब कुछ मिल रहा था वही सारी चीज़ें हम लोग अपने देश में भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर हम लोग चीता के बारे में बात करें तो चीता की जो दो तरीके की होती है, एक अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, तो हम लोग अफ्रीकन चीता को अपना उठाकर कहाँ लाया है, एशिया में, तो ये एशियाटिक चीता, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी कम होने के कगार में आने वाला है, अभी ठीक है, लेकिन एशियाटिक चीता आप देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इट मीन्स कि मुश्किल से 250 ही बचे होंगे या फिर लेस देन 250 यहाँ पे आपके एशियाटिक चीता का होगा। एसेटिक चीता की बात करूँ तो ये सिर्फ ईरान में पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, इंडिया में कोई एसेटिक चीता नहीं है। वहीं अफ्रीकन चीता की बात करूँ तो ये अफ्रीकन में पाए जाते हैं। चीता जो है इनके पास, ये आप लोग देखो कि ये ज़्यादा पानी नहीं पीते और बिना पानी के ये लंबे समय तक रहते हैं, और चीता जो है वो फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट एरिया, ये सारे एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा की वन ऑफ द फेमस प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया। तो भीतरकनिका क्यों इस बार न्यूज़ में है, क्योंकि साइक्लोन आता है तो साइक्लोन में सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो उड़ीसा वाले राज्य में होता है। उड़ीसा में भी आप देखो कि इस बार साइक्लोन यास आया है जिसमें कि भीतरकनिका में 100 ऑफ ट्रीज़ जो है वो टूट के गिर चुके हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है ये आपको कमेंट करके बतानी है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखोगे भीतरकनिका में। मैंग्रोव्स जो है वो रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे, मैं हिंट दे दी, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मैंग्रोव्स रहने से जो साइक्लोन से जो इरोजन होती है उससे प्रोटेक्ट होता है, साइक्लोन से जो पानी अंदर आता है उससे प्रोटेक्ट करता है, हवा को यहाँ पे रोकने का कोशिश करता है। तो बहुत तरीके से आप देखोगे कि मैंग्रोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एरिया है भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया, ये नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया था 1998 में, और ऑल्सो ये रामसर साइट भी है। तो दोनों तरीके से ये आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क और दूसरा है रामसर साइट। गहीरमथा बीच आप देखो यहाँ पे है भीतरकनिका में, गहीरमथा बीच, इस बीच में आप देखो कि हमारे देश में ये बीच फेमस है सिर्फ ऑलिव रिडले
सी टर्टल्स के लिए, क्योंकि इनका एक ना लार्जेस्ट कॉलोनी है और एक टाइम में जो है ये मास नेस्टिंग यहाँ पे करते हैं, मीन्स जो यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है इन लोग का वो इसी एरिया में होता है, तो इसलिए ये रीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का यहाँ पे है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजस्थान इज़ ऑल सेट टू गेट्स इट्स 4 टाइगर रिजर्व्स, यानी कि चौथा इनको टाइगर रिजर्व्स मिल चुका है और ये है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कि अब ये बताइए कि किसी भी एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया को टाइगर रिजर्व्स जो डिक्लेयर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या आप फिर से बोलोगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है? अब बिग नो, ये आपका एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिनका ये अधिकार है कि वो देखते हैं कि हाँ इस एरिया में टाइगर, नंबर ऑफ़ टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी है, उनका हैबिटाट कैसा है, कुछ भी बहुत सारे इनकी क्राइटेरियाज़ होती है जिनको ये देखते हैं और फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। अदर टाइगर रिजर्व्स आप राजस्थान में देख लो क्योंकि ये चौथा है, तो इसके अलावा जो है रणथंभौर है, सरिस्का है और मुंद्रा है, मुकुंद्रा है, तो ये तीन हो गया। और चौथा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका रामगढ़ विषधारी, ठीक है। सेंचुरी जो है इसमें आप देखो क्या क्या है, तो लेपर्ड है, चीतल है, वाइल्ड बोर्ड है, स्मॉल कैट्स है, काराकल्स है, चिंकारास है, नीलगाई है, तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ पे आपके जो है आज की डेट में स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में अनमलाई टाइगर रिजर्व्स है, तो ये आप लोग देखो कि तमिलनाडु के पोर्शन से जो है इसको काट के निकाला गया है। ये पालक्कड़ जो गैप है ना सदर्न वेस्टर्न घाट में, उसी के साउथ में ये देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व। और ये जो रिजर्व्स है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन चेन में ही आता है। वेस्टर्न घाट माउंटेन में आप देखोगे कि तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट में आता है, तो इसी में ये काउंट होता है। साथ ही अनामलाई में आप देखो कि 6 डिफरेंट इंडिजिनियस पीपल है, ये 6 तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये रही टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क की बात, जितनी भी प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ में थी। अब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको बहुत सुंदर से ये मैप के तरीके से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले आइसलैंड के साथ। तो आइसलैंड की जो ग्लेशियर है ये 7% तक अपनी सरफेस को खो चुकी है, इट मीन्स कि जितना भी ग्लेशियर था उसका 7% यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। और ये कहा गया है कि पूरी तरीके से ये जो आपका ग्लेशियर है ये 2022 तक, ये 2200 तक पूरी तरीके से ये कहा गया कि इंटायरली डिसअपेयर हो जाएगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर होगी और इसी तरीके से इमिशन बढ़ते रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। सेकंड देखते हैं लेबनान में, तो लेबनान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया की कंट्री है और इसकी जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी से टच होती है। तो टोन्स ऑफ यहाँ पर डेड फिश देखने को मिली है और ये आपका क्वेरन लेक है, लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर है लितानी, और यहाँ पे आपको क्यूरन लेक देखने को मिलेगी जो कि एकदम बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे मरी हुई पाई गई है। तो ये भी एक आपका वन ऑफ द रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। साथ ही अगर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पे है सुडानो सहेलियन जोन, तो SSZ है ये वाला जोन जो है ये आपका पूरा कहा जाता है सुडानो सहेलियन जोन, तो ये मोस्ट वल्नरेबल है। इट मीन्स कि इस जगह आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फूड प्रोडक्शंस भी जो है ना वो यहाँ पे अंडर थ्रेट कहा गया है। उसके बाद आते हैं आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो यहाँ पे नायरा कॉन्गो है जो कि लार्जेस्ट यहाँ पे स्टैटो वोल्केनो है, वो भी लेक कीवू के बगल में। ईस्टर्न बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा इस कॉन्गो का जो कि रवांडा के साथ लगता है, वो भी विरुंगा नेशनल पार्क में। तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के नेशनल पार्क नहीं पूछे जाते, बट हाँ कहाँ पे क्या हादसा हुआ है, घटना हुई है, ये लार्जेस्ट स्टैटो वोल्केनो है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला। अंटार्कटिक की बात करें तो ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो आइसबर्ग है A76, ये आपका टूट गया है। अब ये वेडल सी जो है वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये जो वेडल सी है इसमें फ्लोट कर रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन अगेन है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, यूनेस्को के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि ये रीफ जो है वर्ल्ड की हेरिटेज स्टेटस है, अब ये डाउनग्रेडेड हो रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरल डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स कि कोरल ब्लीचिंग जैसी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं टर्की, टर्की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सी ऑफ मरमरा है जिसमें कि लार्जेस्ट आउटब्रेक देखने को मिला सी स्नॉट का, जो कि नेचुरली अकरिंग यहाँ पे ग्रीन स्लजेस होती है, और जब यहाँ पे अल्गी जो है ना पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट से लोडेड होती है, ओवरलोडेड होती है, तब ये आपका सी स्नॉट वाला सिचुएशन अराइज होता है। तो सबसे पहले सी ऑफ मरमरा कहाँ है, तो ये टर्की में है।
सी इज नॉट है, जिसमें कि आपका अल्गी जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है न्यूट्रिएंट से और ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट मींस कि एक्वेटिक जितनी भी वाइल्ड लाइफ है ना, एक्वेटिक स्पीसीज है, तो उनके लिए एक हेल्दी कंडीशंस, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होता है। सो ये आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल, जो जितने भी यहाँ पे सिचुएशन कंडीशन जो पूरे वर्ल्ड में रही है उसको हमने एक मैप में सिमट लिया। अब हम लोग अपने देश में देखते हैं कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोटेस्ट चल रही है जांगी तूफान पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रिवर सतलज में देखने को मिलेगा, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है, ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जांगी टोपन जो पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है। ओके, तो एक एक पॉइंट याद रखनी है। फिर आते हैं यहाँ पे चंबल रिवर के बारे में देखते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। लॉकडाउन को देखते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन और जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है चंबल रिवर में, वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो चंबल में गैंगेटिक डॉल्फिन भी है और घड़ियाल भी है, तो इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी कैनल का, तो इंदिरा गांधी कैनल क्योंकि इसको रिपेयर किया जा रहा है, और बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको रिपेयर किया जा रहा है। और हाँ, एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ विषधारी, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये राजस्थान की है। उसके बाद असम में आते हैं, असम में भी आपको पता है दो नए यहाँ पे आपका जो है नेशनल पार्क ऐड किया गया, तो दिहिंग पटकाई जो है वो यहाँ पे आपका सेवन्थ नेशनल पार्क है, एंड देन यहाँ पे रायमोना जो है वो सेकेंड सिक्स्थ यहाँ पे नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात में आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स को यहाँ पे डेवलप करने के लिए, जो कि लोथल में है। और ये बानी ग्रासलैंड रिजर्व्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। एंड मध्य प्रदेश में डिस्कस किए, जो कि आपका अफ्रीका से जो चीता है उसको रीलोकेट किया गया है मध्य प्रदेश के कूनू पलपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो आपको दो डिफरेंस बताना है, जो कि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच में। और फिर से याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशियाटिक चीता कहाँ सिर्फ पाए जाते हैं, सिर्फ एक देश है जहाँ पर एशियाटिक चीता देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात करूँ तो भितरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स है, इसकी नेस्ट मास्टिंग आपको देखने को मिलेगी, मास नेस्टिंग है। ओके कभी कभी ये उल्टा ही जाता है, मास नेस्टिंग एरिया है। और फिर आते हैं उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को ये प्लांट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जो कि साइक्लोन से सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मैंग्रोव्स ही इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंग्रोव्स को प्लांट किया जाएगा तो जो यहाँ पे डिजास्टर होते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो यहाँ पे लॉस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगा। आंध्र प्रदेश का हमने अटापाका बर्ड सेंचुरी देखा, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी लेक है, और वो लेक जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है या फिर कोई और भी यहाँ पे राज्यों के साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। कर्नाटक की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आरोप लगाया गया है कि जो मेकेदातु डैम है उसके कंस्ट्रक्शन से काफ़ी वॉयलेशंस हो रहे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो ये मेकेदातु डैम याद रखना है, ये कर्नाटक का है। तमिलनाडु का हमने अनामलाई टाइगर रिजर्व देख ही लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ल्ड का और जो इंडिया का है वो उसमें हम लोग कवर कर लिए कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ पे आपका न्यूज़ में रहा है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2030 तक हमें यहाँ पे टारगेट है कि अचीव करनी है। उसी को देखते हुए यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, आप हमेशा जीडीपी पढ़ते हो, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब होता है कि एक देश में एक फाइनेंशियल ईयर के तहत कितनी टोटल प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसके द्वारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जैसी भी रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई है। जैसे आप जीडीपी में देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो काउंट होता है, लेकिन ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमारे नेचुरल चीज़ों के बारे में बात होती है, हमारे यहाँ पे एयर वाटर फॉरेस्ट सॉइल ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला दिया जाए, यानी कि जीडीपी टोटल प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, साथ ही हमारा इन्वायरमेंट कितना हेल्दी हो रहा है और हम लोग पॉल्यूशन कितना कम कर पा रहे हैं, उन दोनों को मिला के यहाँ पे रिपोर्ट लाने की बात की गई है। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो फाइनल इकोसिस्टम सर्विस का है, जो ह्यूमन के वेलबींग के लिए किसी रीजन में एक साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कहेंगे।
और ये बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनिटरी वैल्यू दोनों तरीके से अगर ये इस टर्म में आपका मेजर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट कहेंगे। ये ओवरऑल हेल्थ बताती है कि इन्वायरमेंट का कैसा हेल्थ है, ठीक है। और इन्वायरमेंट का हेल्थ हमें किस चीज़ से पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोग हवा ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में एयर कितना स्वच्छ है, फॉरेस्ट कितनी कवर है, कितना ज़्यादा जंगल एरिया है कि नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट होंगे तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वो कम हो पाएगा। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एयर क्वालिटी कैसी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रिवर वाटर में कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की जो है पूरी तरीके से एक मेज़रमेंट मिलती है, ठीक है। अगर हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंट है जिसे सिया कहा गया है। तो ये एक गाइड बुक है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप किया गया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, वो भी यहाँ पे नेचुरल कैपिटल और इन्वायरमेंटल क्वालिटी को लेकर, कि कैसे हम लोग नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को ला सकें। चाइना के द्वारा आप देखो कि स्टडी की जा रही है और कितने कितने टाइप के जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको भी देखा जा रहा है। साथ ही हैप्पी प्लानट इंडेक्स ये लाया गया है जो कि ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन है उनके द्वारा देखा जा रहा है। साथ ही भूटान का ये क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है जो कि इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को एक आप देखो कि वन ऑफ द फोर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के तहत रखा गया है। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कि अदर अदर कंट्रीज़ और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश में जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट में भी फोकस कर सके। नेक्स्ट है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जिनके द्वारा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन लोगों के लिए, नेचर के लिए और क्लाइमेट के लिए इसको पब्लिश किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। और साथ ही साथ अगर हम लोग इकोसिस्टम रीस्टोरेशन की बात करें, इट मीन्स कि इकोसिस्टम का रिकवरी करना जो कि यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, जो कि बर्बाद होने के कगार में है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही आते हैं वर्चुअल वाटर एनालिसिस के बारे में। तो वर्चुअल वाटर कहने का क्या मतलब है, ऐसा पानी जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है। प्रोडक्शन जैसे कि आप देखते हो कि राइस की खेती होती है तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक लेकर आए जिसमें कि हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना कर पाए। तो वाटर जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में और उस सामान का जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है या फिर नॉन फूड कॉमोडिटीज़ भी और सर्विसेज़ भी जो यहाँ पर ट्रेड हो रही है उसको हम लोग वर्चुअल वाटर कहते हैं। एक्चुअली ये इनविजिबल वाटर है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि हम लोग जितने भी अनाज खाते हैं वो पानी के बिना नहीं उगा सकते, लेकिन हम लोग उसमें पानी नहीं देखते हैं कि हाँ इरीगेशन के टाइम में हमारी कितनी वाटर सप्लाई होती है, उसमें कितना पानी बर्बाद होता है, ठीक है। तो इसको कहा गया है कि ये वर्चुअल वाटर है। एग्जाम्पल के तौर में बताया जा रहा है कि ऑन एन एवरेज 3000 लीटर ऑफ वाटर जो है वो ज़रूरत होता है 1 kg ऑफ राइस को यहाँ पर प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं रॉ मटेरियल का, जिससे कि हम लोग बायोडीजल को प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ ही इसको सोप बनाने में, इट मीन्स कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसका आप लोग अदर भी एप्लीकेशन देख लो, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक को यहाँ पे बनाने में, कुकिंग ऑयल, एनिमल फीड, ये सारी जगह बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बेनिफिट्स क्या होते हैं बायोडीजल का, जो कि यहाँ पे आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे इमिशन ज़्यादा नहीं होता है फ्राइंग करते समय। फ्राई जब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ऑयल की जो रियल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो टोटल पोलर कंपाउंड जो है वो यहाँ पे फॉर्म्ड होते रहता है जब हम लोग रिपीटेडली 2-3 बार इस तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो जो इस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी होती है, इट मीन्स कि जो इसकी आप देख सकते हो कि टॉक्सिसिटी इट मीन्स कि जो इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है वो यहाँ पे आपका कम हो जाता है। बहुत सारे डिजीजेस जो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, तो ये सारी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि इस ऑयल में होता है। तो बार बार फ्राई करने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो बायोडीजल में क्या होता है कि बायोडीजल जो इससे बनता है ना उसकी जो इमिशन है वो यहाँ पे कट डाउन हो जाता है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है तो इतना डिटेल में तो आपको नहीं यहाँ पर जाना है। आप लोग एक यहाँ पर रुको देख सकते हैं, रुको है रीपर्चेज यूज कुकिंग ऑयल। तो इशू क्या है रुको के साथ, एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो कोई भी यहाँ पे चेन ऑफ कलेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा तो कहा गया है कि होटल्स, हाउस होल्ड, इवन बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें आपको यूज कुकिंग ऑयल देखने को मिलेगा, बट कोई तो हो जो इसको कलेक्ट कर सके, तो ऐसा कोई भी अभी सिस्टम नहीं बना है जिससे कि इस चीज़ को कलेक्शन किया जाए। साथ ही जो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि फ्री फैटी एसिड है, वाटर्स है होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम का सोर्स बना हुआ है। तो देखते हैं कि ये कब तक ठीक हो सकता है। और ये जो रुको प्रोजेक्ट है ये 2019 में आया है। इस प्रोजेक्ट का मेनली एम ये है ना कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है ना उसको यहाँ पे आपका परचेज़ करना है। जैसे होटल में हो गए, कैटरर है, स्नैक मेकर्स है, इवन अगर घर वगैरह वगैरह भी है ना तो वहाँ से परचेज़ करना है और फिर इससे बायोडीजल बनानी है। बट अभी तक इसमें काम नहीं हुआ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना। रुको अगर कह दिया गया रुको प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ़ द फॉलोइंग, तो मे बी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, LSC के बारे में समझिए। एक्चुअली ये यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें कि जो पोटेंशियल एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग की उसको देखा जाता है। इट मीन्स कि कितने ज़्यादा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ चुका है, तो उसके लिए यहाँ पर आपका यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाया गया। एक्चुअली ये जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और इससे ज़्यादा एरिया कवर हो उसके लिए यहाँ पर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन दी जाएगी। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि जो एग्रो इको सिस्टम हेल्थ है, जिसमें कि आपका बायोडाइवर्सिटी आती है, बायोलॉजिकल साइकिल है, सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, तो इन सबको मिला के यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, इसको इन्हेंस किया जाता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक, जैसे आप लोग कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाते हो या ऑर्गेनिक आप लोग कोई भी क्रॉप वगैरह फसल वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि केमिकल फ्री होते हैं, पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं, वो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और वो एक्सट्रीमली हार्श जो क्लाइमेट है उसको भी वो सह सकते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊँ यहाँ पर क्या है तो ऑर्गेनिक मैटर लेवल जो है उसको ये मेंटेन करता है, सॉइल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही इनसॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट सोर्सेज है उसको भी यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव रिसाइकलिंग है ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लाइफ स्टॉक मैन्योर्स हो गए, तो इन सबको एक बेटर तरीके से यहाँ पर आप देखो कि रिसाइकिल भी किया जाता है। वीड्स है, डिजीजेज़ है एंड पेस्ट कंट्रोल्स है, तो इस पर भी ध्यान दी जाती है। एक्सटेंसिव मैनेजमेंट की जाती है लाइफ स्टॉक की और एनिमल वेलफेयर की, साथ ही केयरफुल अटेंशन दिया जाता है कि फार्मिंग सिस्टम का किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है हमारे वाटर इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर से मीथेन इमिशन सबसे ज़्यादा होती है और भी गैसेस की इमिशंस होती है, तो उसके कारण हमारी इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है। इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है तो हमारी हेल्थ डैमेज हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना है। ये हमारे नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये ध्यान रखना है। सेकंड है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और ये आप देखो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है,
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप लोग देखो कि स्टेट वाले उतने, स्टेट गवर्नमेंट जो है वैसे भी अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है तो वो ओनली 10% ही फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाते, रेस्ट ऑफ द 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर आपको जो प्रोग्राम देखने को मिलेगा वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट की कोई अगर स्कीम है और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम 90% जो आपको स्कीम देखने को मिलेगा वो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। इट मीन्स कि 100% जो फंड इस स्कीम के लिए दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एम है कि नॉर्थ ईस्ट में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो, वैल्यू चेन यहाँ पे निकल कर आए। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड आपको देखने को मिलेगा, इसका एम है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 है, मेनली यहाँ पे आपका मार्केटिंग और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है उस पर फोकस किया जाता है। फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहने का मतलब है कि जो फार्मिंग होगा वो नेचुरल तरीके से होगा, और ज़ीरो बजट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप पैसे खर्च नहीं करने होंगे केमिकल्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह को ख़रीदने के लिए। तो केमिकल्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा आप देखो कि किसान क्या करते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉस्फेट फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसके कारण सॉइल की हेल्थ जो है वो बिगड़ सी जाती है। इनफर्टाइल वाली भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हम लोग। इड्डा के द्वारा यहाँ पे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड यहाँ पे बैक किया गया है। इट मीन्स कि ये ध्यान रखिए कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है हमारे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। और ये जो इड्डा है ना, अच्छा ये इड्डा नहीं है वो IRDA को कहते हैं, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। ये मिनी रत्न के कैटेगरी में आता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग NBFC जैसा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। इंडिया और UK इसको लॉन्च किया है। और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव की बात करें तो एक्चुअली ये ग्लोबल कोएलिशन है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। और काम किस लिए कर रहे हैं, तो लो कार्बन इंडस्ट्रियल जो मटेरियल्स है उसके डिमांड को यहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं, अच्छा ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ज्योग्राफी की आपकी अलग से करंट अफेयर्स की यहाँ पे सीरीज़ आएगी, जो कि मैं लास्ट ईयर से 2020 से अभी जुलाई 2021 तक का कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो इसको मैं उसी में देखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है जो कि न्यूज़ में रहते हैं, तो उसे देख लेते। सबसे फर्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। डिमांड उस तरीके से तो नहीं बढ़ रही है जितना सरकार इसके पीछे पड़ी है, और डिमांड हमारे इन्वायरमेंट कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो भी यहाँ पे न्यूज़ बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी रिपोर्ट के बारे में तीन चीज़ें जाननी है। पहला कि इसे लॉन्च कौन करता है, सेकेंड कि इंडिया का क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, क्या पोजीशन है, और थर्ड कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कौन इसको रिलीज़ करता है, तो यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव है। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक 2021 लाया गया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के बारे में समझना है। ये मल्टी गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आज नहीं 2010 में ही, और जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है ना इसी के तहत। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे 15 कंट्रीज़ आप देखोगे कि इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से हम इंडियंस भी हैं। तो जहाँ पे भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देखो E30@30, तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ रहे हो कि एटलीस्ट 30% जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको सेल हो जाना चाहिए 2030 तक। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे E30@30 और E20 भी याद रखना है, ये आपका जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग है, 20% पेट्रोल में करना है। कब तक, तो सरकार का अभी यहाँ पे आपका न्यूज़ आया है कि 2025 तक करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 उसके तहत कहा गया था कि 2030 तक यहाँ पे 20% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में, और आपको बताना है कि डीजल में कितने परसेंट का ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ अदर रिपोर्ट्स भी। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। एक्चुअली जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये 1974 में क्रिएट किया गया था, जिससे कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, आप लोग देखो ऑयल की सप्लाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेजर डिसरप्शंस हो जाती है, तो उस चीज़ को टैकल किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा।
इस रिपोर्ट में क्या पता चला है, इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि एनुअल ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ी है। रिन्यूएबल अगर हम लोग देखें तो ये इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इट मीन्स कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, वाटर हाइड्रो एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, उसमें ये डिमांड बढ़ चुका है। ग्लोबल इमिशन अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा भी कहा गया इस रिपोर्ट के द्वारा। सेल ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, सबसे पहले ये आप देखो कि पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड देन इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये तीन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सिंगल यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमें लेकर आना है। इट मीन्स कि आप देखो कि नेचर में जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग नेचुरल तरीके से अगर उसका सॉल्यूशन सर्च करें तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, कोई लैंड जो है आपका डेजर्टिफिकेशन हो गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन भी नेचुरल तरीके से कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, है कि नहीं, सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान देनी चाहिए। तो यही चीज़ कहा गया है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये जो आपका ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से। तो ये देखिए डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, यहाँ पे भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, तो आई होप कि आपको इसकी पब्लिकेशन जो है वो याद रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें, ये जो आपका रिपोर्ट है जिसको हम लोग गैर कहते हैं, तो ये स्पेशल रिपोर्ट है जो कि ड्रॉट के ऊपर लाया गया है, क्योंकि कई जगह आप देखो कि सूखा पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन का है ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये यहाँ पे जो सेंडाई फ्रेमवर्क था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो कि 2015 से लेकर 2030 तक ये चल रहा है, तो इसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो कहा गया है कि इंडिया स्पेसिफिक क्या क्या फाइंडिंग है। तो कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सेवियर ड्रॉट जो देखने को मिलता है इंडिया में, उसका इफेक्ट हमारे GDP पे पड़ता है, और GDP पे 2 से 5% तक पड़ता है। डेक्कन रीजन की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है सेवियर ड्रॉट का, सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण आप देखो जहाँ पे भी पानी की कमी हो जाती है वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज़ होती है, और लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ता है। तो वो माइग्रेट करते हैं डेजर्टिफिकेशंस के कारण, वहाँ पे आप देखो कि डेजर्टिफिकेशंस भी हो जाता है। ओवर डिपेंडेंस यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में है, और लैक ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इस तरीके की सिचुएशंस जो है हमारे इंडियन सिटीज़ में अराइज़ हो चुकी है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा जून मंथ तक का एनवायरमेंट। अब देखेंगे यहाँ पे जुलाई मंथ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जुलाई मंथ की एनवायरमेंट के साथ। सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस कहने का क्या मतलब है, आप लोग इस वर्ड से ही समझ रहे हो कि क्लाइमेट फाइनेंस कहने का मतलब है कि लोकल, नेशनल और जो ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग है, जिसमें आप देखो कि पब्लिक, प्राइवेट, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसके द्वारा फाइनेंस करने की बात की जा रही है। इट मीन्स कि आप बेसिकली ये समझो कि क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है, और क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को जो उसका सोर्स है, क्लाइमेट चेंज करने का क्या सोर्स है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन। तो एक्चुअली हम लोग को फाइनेंस ये करना है, पैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ देना है जिसमें कि ग्रीन हाउस इमिशंस जो है वो कम हो सके, कार्बन इमिशन को बेसिकली कम करना है। और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है जिसमें कि आप क्लाइमेट चेंज के कारण जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे खर्च करने हैं, तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी खर्चे करने हैं उसको हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जो क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन FCCC, साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, और साथ ही साथ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ या फिर सिटीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट के कारण वल्नरेबल सिचुएशन वहाँ पे अराइज़ हो गई है, तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम एक आप लोग देख सकते हो कि जो स्टेट ऑफ सिटी क्लाइमेट फाइनेंस है, ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया है सिटी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप के द्वारा। तो ये एक अलायंस है, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है कि ये वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो एक्चुअली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सिटी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंसेस है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स आते हैं जो कि यहाँ पे कमिट करते हैं कि ठीक है, वो यहाँ पे फाइनेंस करेंगे सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शंस के लिए, और ये कब तक का क्या करने का प्रोग्राम है, तो 2030 तक। ये सेम आपका 2030 में ही सारा टारगेट पूरा करने का, आप लोग देखो कि 99% जितने भी स्कीम है उसके यहाँ पे टारगेट अगर है तो 2030 ही है। साथ ही आप देखो कि ये ओनली मल्टी लेवल और मल्टी स्टेक होल्डर कोएलिशंस है, जिसका एम है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गैप है, आप देखते हो कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और किसी जगह पे और किसी देश में जो इन्वेस्टमेंट वो कम होता है, तो ये जो गैप देखने को मिलता है इस गैप को कम करना है।
और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड है उसको भी यहाँ पे कम करना है। किसी देश में आप लोग देखते हो कि बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन किसी किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो गैप है ना, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये सिर्फ ओनली यहाँ पे मल्टी लेवल कोएलिशंस आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंसेस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ ग्लोबल मैकेनिज्म है जो कि यूनाइटेड नेशन FCCC और इससे जो रिलेटेड एग्रीमेंट है उसके तहत ये आपका सेटल किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की बात करें, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जो आपका रखा गया, इसमें दो फंड यहाँ पे बनाई गई थी 1994 में। एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है और सेकंड है कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहने का मतलब है कि यहाँ पे उन सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग से, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे फील्ड से अगर रिलेटेड है, तो स्पेशल जगह अगर रिलेटेड है तो यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड से यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है, इट मीन्स कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, तो उसमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पे इस फंड से पैसे दिए जाएंगे। तो ये है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फैसिलिटी हम लोग दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको हम लोग प्रोवाइड करें, और कुछ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो कुछ स्पेशल एरिया में हम लोग इसको खर्च करें। सेकेंड है एडेप्टेशन फंड। एक्चुअली ये भी आपका 2001 में ही लाया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि एडेप्टेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा, प्रोग्राम को फाइनेंस किया जाएगा, वो भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टीज़ के तरफ से नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि क्लाइमेट चेंज के कारण एडवर्स इम्पैक्ट हम लोग को डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वैसे देश होते हैं जो कि अभी विकासशील देश हैं, उनमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, वो अपने जो है बेसिक एमिनिटीज़ को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। तो फिर वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसको कम करने के लिए उनको एक्स्ट्रा फाइनेंस की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे एडेप्टेशन फंड से उनको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारे क्लाइमेट को हरा भरा बनाने के लिए इस तरीके का फंड क्रिएट किया गया है। इसको भी 2010 में लाया गया है COP16 में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, जिसमें कि आपका यहाँ पे COP16 नंबर की है और ये 2010 में इसको लाया गया है। डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कसम खाई गई है कि ठीक है बाबा, 100 जो US डॉलर बिलियंस है ना, वो पर ईयर 2020 तक इस फंड में वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है सारे देश की, जिसमें कि लो इमिशन की बात करते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज़ की बात करते हैं, तो ये सारा काम अगर उनको करना है तो डेवलप कंट्रीज़ इतने खर्च करेंगे। तो ये तीनों फंड आपको याद रखनी है। ओके, अदर फंड और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें फाइनेंस करने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है, जिसमें कि आप देखो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है। इसका एम है कि जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो यहाँ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ है उनको यहाँ पे मेंटेन करना है, इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपका यूज़ करना है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इट मीन्स कि क्लाइमेट एक्शंस को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, और इसमें क्या होगा कि इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट हम लोग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे, एक्सेस एनर्जी एक्सेस पे, क्लाइमेट रेजिलियंस में, सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट है डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, इसमें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करके कर सकते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग रेड कहते हैं, RED, इसमें प्लस भी है और प्लस प्लस भी है। तो रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका एम है कि हम लोग को जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यही एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है हमारे क्लाइमेट इमरजेंसी का। नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलाइंस है, तो इसमें 29 मेंबर्स है, जिसमें कि पेंशन फंड भी आता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, सॉवरेन वेल्थ फंड भी है, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं किस लिए, तो सब्सटेंशियल आपका मेथोडोलॉजी लाने के लिए, जिससे कि यहाँ पे जो नेट ज़ीरो जो यहाँ पे पेरिस टारगेट है। उसके बाद अगर देखें अदर इंटरनेशनल फंड भी है, एक है क्लाइमेट चेंज फंड जो कि ADB बैंक का है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पे ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की जा रही है डेवलपिंग जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिससे कि जो कॉजेज़ हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको एड्रेस कर सके, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है सरकार का, बिजनेस का, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस पीपल का, जो मेनली फोकस करते हैं कि कैसे इमिशन को रिड्यूस करना है डिफॉरेस्टेशन से और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होने से, साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्व करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होते हैं तो जंगल का काम क्या होता है, ग्रीनरीज का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको वो यहाँ पे अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट भी लाया गया है,
एक सेकेंड, अभी तो यहाँ थी ना, हाँ, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, उसके बाद अदर नेचुरल नेशनल और लोकल सोर्सेज अगर हम लोग देखें जिससे कि फाइनेंस रेज कर सके, तो एक है एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2015-16 में लाया गया था। बेसिकली ये एडेप्शन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए है और जो भी क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसको मिटिगेट करने से। साथ ही कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, इट मीन्स कि कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। इसके तहत आपका कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच भी लाया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ जो फॉसिल फ्यूल टैक्स है या फिर जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है उसको हटाने के लिए इस तरीके का कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब आते हैं एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। तो दिल्ली और NCR में आपको पता है कि एयर क्वालिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, बट यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है उसकी क्या सिवियरिटी लेवल है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से देखें जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में टॉप 30 में से 22 जो यहाँ पे सिटीज़ है वो इंडिया की है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट होती है। मेजर सोर्स क्या है इंडिया में इतना एयर पॉल्यूशन का, तो सबसे बड़ी है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है कि बायोमास का बर्निंग जो कि कुकिंग के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट बर्निंग है, तो और एग्रीकल्चर बर्निंग है। तो ये सारी चीज़ों के कारण आप देखो कि यहाँ पे हमारे देश में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक है मेजर सोर्सेस अगर आप लोग देखो दिल्ली के पॉल्यूशन का, तो सबसे ज़्यादा आपको डिफ्यूज़ सोर्सेस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये इंडस्ट्रीज़ है, फिर डीजल जनरेशन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, इससे आप ये समझो कि हमारे देश में कौन कौन से यहाँ पे पॉलिसी लाए गए जो कि एंटी पॉल्यूशन पॉलिसी है। तो और वो भी आप देखो कि दिल्ली के लिए, तो सबसे पहले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान था, एक्चुअली ये सेट ऑफ प्लान है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और एयर क्वालिटीज़ जो डिग्रेड हो रही थी और होती है हर साल, आप देखो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए उसके लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया, ये 5 साल का एक्शन प्लान है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, पैन इंडिया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, सिटीजन्स अवेयरनेस को इसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। इसका एम है कि 2024 तक 20 से 30% जो PM2.5 है उसको रिड्यूस करना है। अदर इनिशिएटिव भी आप देख सकते हो कि BS6 में हम लोग स्विच हो गए, भारत स्टेज जो है वो 4th था लेकिन हम लोग इससे स्विच होकर यहाँ पे 6th में आ गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो 10% आपका कम हो पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल कहा जाता है व्हीकल्स के लिए। साथ ही हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए FAME II यहाँ पे आ चुका है, FAME स्कीम है जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। ओल्ड यहाँ पे जो आप लोग देखो कि दिल्ली में ऑड इवन इमरजेंसी मेजर्स लाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ईस्टर्न और जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सफ़र एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे एंटी पॉल्यूशन पॉलिसीज़ हैं। फिर आता है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इंडिया, इंडिया ही नहीं एशिया का पहला ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर्स बन रहा है, और ये कहाँ है तो पटना में देखने को मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी से जो कि आपका पटना बिहार में है। तो ये आप समझो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का पहला ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और ये चीज़ें आप लोग देखो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया है, कमेटी के हिसाब से देखें तो बिहार एक नेचुरल एडवांटेजेस है, यहाँ पे 50% जो वर्ल्ड की रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन है, इट मीन्स कि आधा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको बिहार में देखने को मिलता है, तो इसलिए बिहार में ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। चलिए ये तो रही न्यूज़ में, और ये पूछा भी जा सकता है, इसके अलावा आपको गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। 2009 में डिक्लेयर किया गया कि ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, बहुत अच्छी बात है। प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट है उसके Schedule 1 में रखा गया है, इट मीन्स कि भारी भरकम इसको प्रोटेक्शन दी गई है, साइट्स के भी Appendix 1 में है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन अब जो है आपको 500 से 600 के लगभग देखने को मिलेगा। ये स्पीसीज जहाँ पे भी रहते हैं ना उससे ये पता चलता है कि वो इंटायर जो रिवर इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। ये आप लोग देखो कि वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, बाकी आप यांगस्टे रिवर यानी कि जो चाइना में है उसमें आप बैजली देख सकते हो, अमेजॉन रिवर जो कि आपका ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में तो वहाँ पे बोटो कहा जाता है, और भूटान में जो कि इंडस रिवर में आपको देखो कि ये बुलान कहा जाता है, सॉरी भूटान, बुलान कहा जाता है इंडस रिवर में जो कि पाकिस्तान में।
तो इट मीन्स कि पाकिस्तान, चाइना और जो साउथ अमेरिका है उसमें भी यहाँ पे आपका इंडिकेटिव डॉल्फिन पाए जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि बेसिकली आप गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो सिर्फ हमारे ही देश में आप देख सकते हो, वो भी उन सारे रीजन में जहाँ पे गंगा फ्लो होती है। तो बिहार भी उसी राज्य में आता है, क्योंकि इससे पहले आपको यूपी देखने को मिलेगा, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो ये सारे कुछ ऐसे राज्य है जहाँ से डॉल्फिन होकर गुजरती है, अब बहती है। तो यहाँ पे तीन जो रिवर सिस्टम है हमारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और कुछ यानी कि कर्नाली और सप्तकोशी रिवर है जो कि यहाँ पे नेपाल में। तो इन तीनों कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा है। और बात करें तो डॉल्फिन की, तो ये ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन ये किस तरीके से चलते हैं, तो इकोलेशन प्रोसेस से। इकोलेशन एक तरीके का टेक्निक है जो कि बैट्स हो गए, डॉल्फिन हो गए और अदर जो इस तरीके के जानवर होते हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स कि वो इको साउंड से वो डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ कौन सी सामान कहाँ है, कितने दूर में है। साथ ही आप देखो कि वो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा कि वो एरिया मतलब कि फ्रेश वाटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैमल होने के नाते जो गंगा की रिवर डॉल्फिन है ना, वो वाटर में ब्रीथ नहीं ले पाती है, सांस नहीं ले पाती है, इसलिए हर एक 30 से 120 सेकंड के बीच में वो ऊपर आती है और सांस लेकर फिर नीचे जाती है। तो इनको इस तरीके से जब वो सांस लेती है तो एक साउंड निकलता है जिसको हम लोग सॉन्स या सुसु या सुशाक या सेहू कहते हैं। तो ये चारों नाम किसका है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन का है। जनरली अगर गैंगेटिक डॉल्फिन में देखें तो फीमेल जो यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन है वो लार्जर होती है, इनकी बॉडी बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखिए कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लाए गए, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है गंगा को क्लीन करने के लिए। साथ ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो कि 2020 लास्ट ईयर में ही लाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। साथ ही ये इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एक्चुअली पोचिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ से जो है यहाँ पे डॉल्फिन को मारा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कम ख़त्म करनी है। और इससे क्या होगा, फिशरमैन भी इंगेज रहेंगे, अदर जो रिवर और ओशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे इंगेज रहेंगे, और इससे क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड जो है बेटर हो पाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी जुलाई मंथ की भी जो यहाँ पे करेंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट की, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये पूरी लेसन अच्छी लगती है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो। इसी तरीके से और भी रिवीजन क्विक सीरीज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हो सारे आपको मंथ्स के जो है मंथली रिवीजन आई एस मैगजीन मिल जाएगी, साथ ही रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज़ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।